अस्सलाम वालेकुम यानी कैसे हो आप? हाँ, मैं बस अभी आई और मैं अभी आके यही सोच रही हूँ कि मैं ना अपने ग्रुप में जाके जरा एक मैसेज कर दूँ कि मैं लाइव आई हूँ, अगर किसी ने ज्वाइन करना तो आ जाओ। आप कैसे हो? नहीं, मैं तो आजकल फुल अपने अकाउंट को ठीक करने के जोश में आई हुई हूँ ऐसे तो ये ठीक होना नहीं, मैंने कहा लाइव जाना शुरू करो, शायद थोड़ा ही बेटर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम को सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम अरियास केक्स एंड स्नैक्स, कैसे हो आप? कहाँ पे हो अरियास केक्स एंड स्नैक्स? कनाडा में हो या कहीं और हो? आज नोटिफिकेशन सजदा क्वीन कहाँ आया? वालेकुम अस्सलाम, टिकटॉक पे आया नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसे हो आप? ब्रैम्पटन में हो, ठीक है, अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम कौसर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासमीन, वालेकुम सलाम जिया, वालेकुम सलाम सुमेरा, कैसे हो यार आप सब लोग? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। टिकटॉक पे आया नोटिफिकेशन, अरे वाह, टिकटॉक मेरे नोटिफिकेशन सबको भेजना शुरू कर दे तो मुझे और क्या चाहिए। मतलब मैं वही 1.5 लाख फॉलोवर है, किसी को नोटिफिकेशन ही नहीं जाता कि कोई आकर लाइव भी देख ले मेरा। काम सारे हो गए आपके? नहीं छोड़ के बैठी हुई हूँ, काम करने लग गए तो फिर तो सारा सारा टाइम उधर ही लग जाएगा ना। हाँ, खाना खा लिया मैंने और हस्बैंड ने भी खा लिया, उनको मीटिंग के लिए निकलना था, वो वहां चले गए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम जी कैसे हो आप सब? डिश लगा दिया मैंने, चाय रहती है पीने वाली, और कोई ऐसे वैसे इतना काम भी नहीं था, थोड़ी क्लीनिंग व्लीनिंग है, जरा मैसअप हुआ मैं बाहर तो वो मेरा दिल नहीं कर रहा क्लीनिंग करने का, कल भी नहीं कर रहा था, परसों भी नहीं कर रहा था तो वो इतना ज्यादा कोई ऐसा मैस नहीं है कि मैंने 2-3 दिन से क्लीनिंग नहीं की, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत ही कोई बुरा हाल हुआ है, ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। अगर मुझे नीचे थोड़े कचरा वचरा गिरा नजर आता तो ब्रूम लगा देती हूँ, मोप नहीं लगाया मैंने अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाती हैं? थोड़ा वो ना ब्लो ड्राई करके अच्छा लग रहा है ना, अभी करके आई हूँ मैं, ताजा ताजा अभी ओपन किया मैंने ये। आई एम नॉट बॉदर्ड इधर, है ना, अब डेली डेली मैं अपना घर साफ करके ऐसे चमकाऊं, किसने देखना है? मेरे घर वालों को तो कदर ही नहीं होती है ना सफाई की, वो लोग तो गंद डालते हैं, और किसने देखना है वो साफ घर? जिनके लिए साफ करती हूँ उनको कदर नहीं होती, ऊपर से वो गंद डाल देते हैं, तो फिर मुझे क्या मुसीबत पड़ी, मैं अपनी जान जोखिम में डाल के सफाइयां कर पड़ा रहने देती हूँ सो के हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी तो हालत हुई है सुबह से लगी हूँ, कोई हाल नहीं है, नहीं रेस्ट करो, जाके चिल करो, मुझे मारो। मैं ठीक हूँ रीत, आप कैसी हो? अरे आज के खान सही कह रही हूँ ना, हर जगह ये हाल है, किसी का भी घर वालों को कदर नहीं जिनके घर वालों को कदर होती है ना तो वो इतना मैसअप नहीं करते हैं, या फिर मैसअप कर दें तो वो फिर क्लीनिंग भी बराबर करवाते हैं, साथ लगकर क्लीनिंग करवाते हैं, लॉन्ड्री करवाते हैं, डिशेस करवाते हैं, 2 वॉशरूम हो तो एक एक बंदा क्लीन कर रहा होता है, फिर तो फिर चलो गंद डालना भी समझ में आता है कि चलो गंद डाल दिया तो मिलकर क्लीन कर लेंगे, यहाँ गंद सब डालते हैं, क्लीनिंग वाला एक बंदा है, मुझे पता नहीं काम वाली बना के रखा हुआ है। वालेकुम सलाम शाइस्ता, कैसे हो आज? विदाउट मेकअप, मेकअप ही तो करने आए हैं, अब मेकअप करके उसके ऊपर तो मेकअप नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए पहले विदाउट मेकअप आता है और उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर हम पल में तोला और पल में माशा हो जाते हैं साहिल थैंक यू सो मच, हेल्प तो करते हैं, नहीं तो हम भी कर, हाँ टहोर की मैंने भी नहीं की मैं करूंगी, एक दो दिन के बाद मेरी जब इन पर्सन क्लास है ना, किसी ने घर पे आके क्लास लेनी है फिर तो मुझे करनी पड़ेगी ना, उनको तो दिखानी है मैंने क्लीनिंग, फिर कर लूंगी, सबको नजर आता है विद वाइड आईज, है ना, बहुत प्यारा मेकअप होता है साहिल, थैंक यू सो मच। मैं सिस्टर हूँ, हाँ ठीक है साहिल, कहाँ से हो आप? सिस्टर कहाँ से हैं आप? मैं जरा अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल दूंगी, मैं लाइव हूँ, देखें कैसे घर साफ होता है,
और जब सफाई की होती है ना तब बाई चांस भी कोई नहीं आता, जब नहीं की होती ना तभी कोई ना कोई आ जाता है। सही। वालेकुम अस्सलाम असमा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मेरी बहनों? आप लोग भी सफाई होगी ना, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, किसी ने आना हो तो साफ कर लिया करो, वरना ना आराम से सोफे पर लेट के टीवी देखा करो। मेरे से ऐसे वाले टिप्स भी ले लिया करो। बाद में तुम लोगों के हस्बैंड लोगों ने ना मोबाइल लेके ना कूड़े में फेंक देना। उन्होंने कहना ये कौन तुम लोगों की तरबियत कर रहा है ऐसी, मेरा नाम ना लेना। मैं बस एक टिकटॉक को पोस्ट लगा दूं और यूट्यूब पे, ओहो क्या नाम है यार, इंस्टा पे आई एम लाइव ऑन टुक टुक। बस बहुत डिमोटिवेशन हो रही है, मैं डिमोटिवेट हो रही है नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना, ऐसा ना हो बाद में आपके आप लोग काम करना छोड़ दे तो बाद में हस्बैंड कहे तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम ऐसे ऐसा बदलते जा रहे हो, टिकटॉक ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। बाद में किसी दिन उन्होंने आपको मेरा लाइव अटेंड करते हुए सुन लिया ना, बैन कर देंगे। पहले मेरे व्यूज नहीं आ रहे, दो चार सहेलियां जिनके व्यूज आ जाते इनको भी बैन कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। इसी वजह से ना जब मेरा लाइव सेशन देख रहे हो तो ना हस्बैंड से दूर बैठा करो। हमारी सीक्रेट बातें किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शी इज जोकिंग गाइस चिल। मुझे मेकअप करना नहीं आता, कोई बात नहीं मेरी जान, प्रैक्टिस किया करो आ जाएगा। सबका यही हाल है, मैं पहले से बहुत ज्यादा लेजी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड आ गई बोलते हैं क्या हो गया। और मैं खुद अपने हस्बैंड से बोल रही होती हूँ कि यार मैं ना पहले इतना ज्यादा लेजी नहीं थी, मुझे लगता है मैं ना लेजी होने लगी, मेरा काम करने का दिल नहीं करता कोई भी, बस बुढ़ापा आ गया बहन हम पे। आज मैं ग्रे लेंजेस लगाऊं, और लेंजेस से याद आया मुझे तो ना शाम को बच्चों के स्कूल में ओपन हाउस है, वहां भी जाना है, तो मैं जरा बातें कम करूं काम ज्यादा करूं ताकि हमारा काम भी खत्म हो जाए। अभी 3 o'clock तक आ जाना है, उनसे पहले खत्म करना है। अच्छा मैं भी वही कह रही हूँ, मैंने शाम को बच्चों के स्कूल में जाना है, मेकअप वेकअप कर लें तो आज मेकअप जरा उसी हिसाब से करेंगे कि स्कूल लेके जाने के काबिल हो। बाद में हैवी इतना मेकअप लेके स्कूल जाऊंगी तो सारे मुड़ मुड़ के मुझे देखेंगे। चलो जी कॉन्टेक्ट लेंजेस लगा लें, फेस मैंने वॉश कर लिया था आज। मैं कनाडा से हूँ, आपका भी जाना है ओपन हाउस? हाँ मेरे ख्याल से आज ऑल ओवर हर एनी आपके बच्चों का ओपन हाउस नहीं है, मुझे लगता है काफी सारे स्कूल्स में ओपन हाउस है ना आज। मैं तो ओपन हाउस में ना सिर्फ इसीलिए जाती हूँ, वो लोग जो समोसे लेकर आते हैं ना वो बहुत मजे के होते हैं, ठंडा समोसा भी इतना अच्छा लग रहा होता है। मेरा फेस बहुत खराब हो गया जसप्रीत, कहाँ से क्या खराब हुआ है मेरे फेस का? आंखें नीचे आ गई हैं, नाक ऊपर चला गया है, होंठ उधर को चले गया, क्या खराब हुआ है कुछ तो बताओ हमें, फिर 4 दिन की छुट्टी। हाँ ना मैं भी वही कह रही हूँ। यानी आपके बच्चों को ये लॉन्ग वीकेंड है, अभी अभी 4 4 डेज का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना बच्चों का, एक्स्ट्रा लॉन्ग। कलर कॉम्प्लेक्शन खराब हो गया, चंगी पलीतियां मैं पहन, की हो गया क्यों हो गया मेरी पहन। चलो जी मैं लेंस लगा लूं, जब भी आप अपने लेंस लेना ऐसे एप्लीकेटर के साथ पकड़ के तो इसको जरा निचोड़ लिया करें, अक्सर इसके अंदर ना ज्यादा सारा पानी होता है तो वो फिर आंख के अंदर भी ज्यादा पानी, तो इसको ऐसे ऐसे करके जरा निचोड़ लें अच्छे से। मंडे को ऑफ है, देन नेक्स्ट वीक। अच्छा हमारे बच्चों का ये फ्राइडे भी ऑफ है, फिर सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे भी ऑफ। पील रीजन का आज है ओपन हाउस। ओ अच्छा हाँ सच, एनी पील रीजन में नहीं आती इसीलिए एनी का चेंज है। एनी आपका कौन सा रीजन है, दरहम रीजन है, कौन सा रीजन लगता है आपको? पहले फेयर था बहन, में पहले भी काली थी, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, या मेरी बहन आपने मुझे किसी फिल्टर में देख लिया होगा, मैं ऐसे ही थी। पहले भी ऐसी थी, मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। हाँ हमारे बच्चों को तो काफी छुट्टियां इकट्ठी हो गई है ना, इसी वजह से तो वो हुजैफा की आज थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसको बोला कि आप स्कूल चले जाओ, मेडिसिन ले लो, इतना कोई ऐसा इशू नहीं आ कि 4 दिन की छुट्टियां क्या करोगे घर बैठ कर, लेकिन उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वह नहीं गया। बस मेकअप का कमाल है, हाँ मेकअप करके तो जाहिर है आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज लगने लग जाता है। बिना मेकअप के और मेकअप
करके आने में जाहिर है डिफरेंस तो होता है ना, वहाँ मेकअप में आपके फेस पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। हैमिल्टन रीजन इज हाल्टन रीजन, ओ अच्छा ठीक है, दरहम रीजन पे दूसरी मिल्टन वाली साइड पे लगता है ना शायद, आराम से करूँ। लो मेरा लेंस उल्टा हो जाता उसके ऊपर ही। चल भी काका अंदर चला जा। देखो लेंस ही नहीं जा रहा अंदर। दरहम इज एजेक्स एंड ओ ओके, पिकरिंग का भी दरहम है। देखो मुझे सिर्फ पील का पता, मुझे पहले ने फिंगर से नहीं लगाना, मुझे बहुत जलन होने लग जाती है अगर फिंगर पे कुछ भी लगा रह जाए। मुझे ना पहले ऐसा लगता था कि पील रीजन जो है ना ये सबका ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ, फिर मुझे दरहम रीजन का पता चला कि वो भी है कि उस वाली साइड से। तो ये हाल्टन रीजन कह रहे थे ना अभी आप, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। अब लग गया। गुरमीत मिसिस आगा में, गुरमीत कहाँ हो आप? यहाँ तो एक तो ये रीजन वाला भी बड़ा सीन है, पाकिस्तान में सही होता है बस स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट की छुट्टी आती है तो सबको आती है। इसको वाटर से वॉश करोगे ना? मैंने किया हुआ वॉश। गुरमीत ब्रैम्पटन में है। अब मैं ले रही हूँ जो दूसरा लेंस, मुझे लगता है हाथ की निस्बत ना एप्लीकेटर के साथ ज्यादा अच्छे से लेंस लग जाता है। अरे यस आप भी ब्रैम्पटन में हो, वो भी ब्रैम्पटन में है, चलो फिर अब उसको केक बना के खिलाओ। केक बना के खिलाओ गुरनीत को। चलो पूछा फिनिश कर लूँ फिर ज्वाइन करती हूँ, चलो ठीक है। यानी बहुत अच्छे बच्चे, डेली क्लीनिंग करती है। हेयर अच्छे लग रहे हैं हरमन, थैंक यू। एनी रात को आऊंगी, आईज टाइटली बंद रखिएगा। हेयर अच्छे लग रहे हैं यार, मैंने थोड़ा ब्लो ड्राई किया, अगर आपको ये मेरा हेयर का ब्लो ड्राई अच्छा लग रहा है ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कोई वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। मुझे लगता है मेरा ये वाला जो लेंस है ना ये उल्टा लग रहा है। नथिंग, थैंक यू सो मच। नथिंग, आपने अपना नाम नथिंग क्यों रखा हुआ है? हाँ मेरी एक आंख का लेंस ठीक नहीं लग रहा मुझे, मुझे इसकी जरा साइड चेंज करने दें। आप लोग जरा स्क्रीन को टैप टैप कर दें, हमारा मेकअप शुरू करने से पहले कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, स्क्रीन टैप करते रहो। वट हेयर प्रोडक्ट डू यू यूज? मैं कोई ऐसा चाहे कोई स्पेशल हेयर प्रोडक्ट तो नहीं यूज करती हूँ, मेरी इस आंख में थोड़ा लेंस को इश्यू हो रहा है, इसको जरा एडजस्ट होने दो फिर मेकअप करती हूँ। मेरे खुद बहुत हेयर लॉस हो रहे हैं, ये देखो यहां से आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये तो अभी मैंने थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया हुआ है ना उसकी वजह से फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अगर मैं ऐसे ये सेंटर की पार्टीशन करती हूँ, देखो कितने कम लग रहे हैं यहाँ पर हेयर, ये देखो मेरे अपने काफी हेयर लॉस हो रहे हैं।
बस आप लोगों को मैं एक सजेशन देती हूँ कि अपने हेयर को ना ऑयलिंग वगैरह करते रहा करो, ड्राइनेस की वजह से भी हेयर जो है ना वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। किसकी रिकमेंडेशन? आई लेंसेज कलिंग मेरे प्रोफाइल में दिया हुआ है। हरमन फरिया वालेकुम असलम, कैसे हो आप? चलो जी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँ, टाइम क्या हो गया, 2 बज रहे हैं। मेरा टोनर किधर है? आप लोग प्लीज स्क्रीन को टैप टैप कर दीजिएगा ताकि साथ साथ हमें और भी काफी सारे लोग ज्वाइन करते रहें। और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट पूछनी है जो मैं यूज कर रही हूँ तो आज वो सारी प्रोडक्ट्स मैं अपने लाइव सेशन के लास्ट में बताऊंगी। तो जिसने देखनी होगी वो यहाँ बैठकर स्टे करें, मैं किसी को भी साथ साथ कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ऐसे। तो एक दफा हम पहले अपना मेकअप कर लें, लास्ट में फिर जो जो चीजें मैंने यूज की हुई है वो मैं आपको बता दूंगी, या फिर आपने जो पूछनी होगी वो पूछ लीजिएगा। अभी मैं ये टोनर यूज कर रही हूँ, टोनर मैं एवॉन का यूज कर रही हूँ, इसका लिंक मेरे प्रोफाइल में दिया हुआ है। वालेकुम असलम मनाज, कैसे हो यार आप? मेहनाज वो लिंक ओपन नहीं हो रहा तो फिर वो आपके कंट्री में सेल नहीं होता होगा ना। कैसे हो मनाज आप? बच्चे कैसे हैं आपके? इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। क्या लिटिल बिट डिफरेंट है? मेरी आंख को कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ है? चले जी मैं यहाँ पे ये टोनर यूज कर रही हूँ। मेरा कैचर किधर है? मैं जरा जुल्फे थोड़ी बांध लो। रोजमेरी ऑयल, ओके। हाँ मैं भी यूज कर रही हूँ आजकल, मैंने भी ये मिक्स करके ऑयल यूज करना स्टार्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनाज मेरी भी फैमिली माशाल्लाह से सब ठीक ठाक। शावर फिल्टर, हाँ शावर फिल्टर से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। आप में से भी जिन्होंने शावर फिल्टर नहीं लगाया हुआ ना वो भी शावर फिल्टर ट्राई करें। मेरा फेस येलो हो रहा है ना। लाइट तो वाइट ही है लेकिन पता नहीं। चले जी मैंने टोनर अप्लाई कर लिया, आप कोई भी अपना स्किन केयर यूज कर सकते हैं जो भी आपकी रूटीन में है। उसके बाद मैं यूज करूंगी सेरावीक का मॉइस्चराइजर, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। इसे लगाएंगे हम अपने फेस के ऊपर और अच्छे से करेंगे मसाज ताकि स्किन हमारी अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। आपको पीलिया हो गया है? पीलिया नहीं, मुझे गुसीलिया हो गया। गुसीलिया में ना मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, मुझे गुसीलिया हो गया बहन, पीलिया नहीं है जी। मैं क्लासेस भी देती हूँ। तुसी तेते ही बहुत सोने हो, मैं चनी में होर सोनी हो जा। मैं फिर थोप थोप के मेकअप लाना ताकि मैं होर सोनी हो जा। रोटन शेयर करें, रोटन शेयर करें क्या? बालों का रूटीन शेयर करें। बालों का कोई ऐसा खास रूटीन ही नहीं है। मैं ठीक हूँ मलिक यूके, आप कैसे हैं? आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा सिंपल मेकअप क्योंकि मुझे जाना है स्कूल, तो हम वैसा वाला मेकअप करेंगे जैसा मेकअप करके हम बच्चों के स्कूल में जा सके, ओपन हाउस में, मीटिंग्स में, ठीक है? ये मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ से मसाज कर लूँ अपने फेस को ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए, वरना ना लटक लटक के नीचे आ रहा है। पाकिस्तान मैं नहीं जा रही अभी तो। वालेकुम असलम, कनाडा कैसे आओ? ये तो आपको किसी कंसल्टेंट से पूछना चाहिए ना। मुझे कनाडा आने का कोई भी वो सिस्टम नहीं पता। जिसने कनाडा आना है वो कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे आ सकते हैं, ठीक है? मॉइस्चराइजर मेरा अच्छा सा सेट हो गया फेस पे। ऐसे मेकअप जो बच्चे देखकर ना डर जाएं, बच्चों के दिल आजकल बड़े मजबूत हैं तो वो मेकअप वेकअप देखकर नहीं डरते हैं। मेरे सन का भी है आज ओपन हाउस। हाँ यहाँ कनाडा में भी काफी सारे स्कूल्स में आज ओपन हाउस है। बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? किस आ गया?
अभी मेकअप आर्टिस्ट तो गुड नो। चले जी मैं अब अपने आईब्रोज को थोड़ा फील करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना अपना फेस, इसीलिए मैं आईब्रो को आज पोमेड के साथ फिल नहीं करूंगी, ज्यादा शेप नहीं बनाऊंगी, थोड़ा नेचुरल लुक में रहने के लिए मैं अपने आईब्रोज को भी आईब्रो पेंसिल के साथ फिल करूंगी ताकि वो थोड़ा लाइटर शेड में ही फिल हो। आईब्रो पेंसिल जो कि मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं किधर गई है, मैंने उसके साथ फिल करना है। लेट मी फाइंड माई पेंसिल। हुज़ैफा मेरा बेटा को क्यूट लग रहा है, उसने ना स्कूल से छुट्टी की भी, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी आ जाऊँ लाइव सेशन में। यार मेरे पास आईब्रो पेंसिल थी ये, ठीक है मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, ये मैंने एवॉन से ली भी है, मेरी प्रोफाइल में है, आप लोग स्क्रीन टैप टैप करते रहे हैं, अगर मैं आपको कहती हूँ तो आप टैप कर देते हैं, जब मैं नहीं कहती हूँ तो आप लोग छोड़ देते हैं। काइंडली जैसे जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप कोई काम वाम और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो स्क्रीन को टैप टैप करते रहिएगा, हमें भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर नहीं देखना तो ना देखो, हाँ काफ़ी सारे लोगों को वही मसला रहता है, नहीं देखना तो ना देखो, मैं कौन सा आके घर जाके नहीं होता देख के आई हूँ। आज भी आज मेरा मेकअप देखो आके, मैं तो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए कहीं जगह पे पोस्ट कर देती हूँ ताकि वो लोग जिनको मेरा मेकअप अच्छा लगता है सिर्फ वो आकर देख लें। आई एम अबाउट टू वॉश डिशेस, ठीक है मेरी जान, मैं देखती हूँ मुझे कहीं से वो ऐसा वाला वो मिल जाए ना कोई गैजेट, जिस गैजेट को आप मोबाइल के साथ लगा दो वो टिक 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 करके टैप टैप करता रहे, वैसे वाला गैजेट आप लोगों ने लेकर रखना है, सिर्फ मेरी लाइफ में टैप करना। ओके फरीहा आजम थैंक यू सो मच। चले जी मेरे पास आईब्रो पेंसिल है, मुझे आज बहुत शार्प वाली आईब्रोज नहीं बनानी है, इसी वजह से मैं पेंसिल यूज कर रही हूँ। पेंसिल के साथ हम आईब्रो का थोड़ा नेचुरल वाला इफेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे गैप्स हैं ना उनको मैं फिल करूंगी, जो भी एम्प्टी एरिया है उसको फिल करूंगी, और यहां से इसकी शेप को थोड़ा सा एक्यूरेट करूंगी ताकि जरा इवन लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेकअप फरीहा, थैंक यू। स्मेरा क्या विश, ठीक है ये देखो मैंने इसको फिल कर लिया ना, अब ये बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं लग रही, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा आ गया, एटलीस्ट ये थोड़ा शेप में आ गई है। वालेकुम सलाम इफ़त, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? डोंट यू गेट टायर्ड डूइंग मेकअप एवरी डे जस्ट आस्किंग? टायर्ड हो तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे आई डोंट नो आप फीमेल हो या मेल हो, आपके हस्बैंड होंगे ना जॉब करते होंगे, लेकिन डेली जाते हैं जॉब पर, टायर्ड हो जाते हैं, दिल करता है या नहीं करता, तबीयत खराब है या कुछ भी, लेकिन जॉब होती है ना तो उस पर आपको जाना पड़ता है क्योंकि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी तरह से मेकअप का भी है, हम लोग टायर्ड हो जाए ना हो कुछ भी हो, हम लोगों का जैसे ये सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे से लोग मेकअप की क्लासेस ले लेते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं मेकअप करवाने के लिए। अगर मैं ये नहीं करूंगी, न्यू अपडेट्स नहीं दूंगी, न्यू मेकअप लुक्स नहीं करके दिखाऊंगी, न्यू ट्रेंड को फॉलो नहीं करूंगी, तो शायद लोगों का मेरे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि यार ये तो बोरिंग है, पुराने मेकअप करती है बस, या फिर काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मैं मेकअप की क्लासेस भी देती हूँ या मैं सिखाती भी हूँ या मैं क्लाइंट्स भी लेती हूँ, तो उसके लिए फिर हमारे घर के काम पड़े रहे हैं, हम जितना मर्जी बिजी हों हमें टाइम निकाल के ये वाला काम भी साथ साथ करना होता है, समझ गए? एंड दैट्स रियली वेट क्वेश्चन, मेकअप इज सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, हाँ वो भी ठीक है, जब शुरू शुरू में मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तब तो मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था मेकअप से, लेकिन मैंने उसको तब इतना ज्यादा टाइम दिया अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, और अब आकर मतलब ऑलमोस्ट ये कोई टू एंड हाफ ईयर्स के बाद आकर, टू एंड हाफ ईयर मैंने खुद से मेकअप किया, खुद से प्रैक्टिस की, खुद से वीडियोस बनाई, पोस्ट करते रही, और उसके बाद टू एंड हाफ ईयर के बाद आकर मुझे अब कुछ इनकम का मेरा सोर्स बना यहाँ से, कि मैं चलो क्लासेस दे देती हूँ या क्लाइंट्स ले लेती हूँ या कुछ प्रमोशंस कर लेती हूँ, तो वो इतना सारा जो 2.5 साल की मेहनत है, 2.5 साल का टाइम है, 2.5 साल की जो हमारे टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना, उसका रिवार्ड हमें अब मिल रहा है।
तो अभी अगर मैं ऐसे लाइव नहीं आऊंगी, मेकअप नहीं करूंगी, वीडियोस नहीं पोस्ट करूंगी, तो मेरी वो 2.5 साल वाली मेहनत जाया हो जाएगी जो मैं जाया नहीं करना चाहती। मैंने बड़ा हार्ड टाइम निकाला है अपनी मेहनत से। हाँ तो ऐसा ही है ना, मैंने अपना अकाउंट अपनी मेहनत से बिल्ड किया। मैंने शुरू शुरू में सारे वीडियोस ऐसे बना बना कर पोस्ट करते रहे, और मेरे कोई भी वीडियो अभी तक, 3 साल हो गया मुझे टिकटॉक पे, मेरा कोई भी वीडियो अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने पोस्ट किया और वो वायरल चला गया, उसकी वजह से मेरा ग्रो हो गया अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे सारे वीडियोज़ को 3 सालों में सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल से व्यूज़ आते रहे हैं। अब 3 सालों में कुछ मेरी पुरानी वीडियोस ऐसी हैं जो थोड़ा 1 मिलियन व्यू 2 मिलियन व्यू पे हिट किया, सिर्फ 2-3 वीडियोस ही हैं, वो भी 3 सालों में सिर्फ 2-3 वीडियोस, उनके कुछ व्यूज ज्यादा हुए, अदरवाइज नॉर्मल व्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से 3 सालों में सिर्फ मेरे 1.5 लाख फॉलोवर हुए। और उन 1.5 लाख फॉलोवर भी जो सारे मेरे ऑर्गेनिक है, वो भी जल्दी मेरी वीडियोज को लाइक नहीं करते हैं या कमेंट नहीं करते हैं, गंदे बच्चे हैं सब, धोखा देते हैं मुझे। उनको इतने इतना नहीं होता कि चलो यार उसने इतनी मेहनत करके कोई वीडियो बनाई है, कोई हमारे लिए मेकअप पोस्ट किया, या हमें किसी प्रोडक्ट की नॉलेज दी है, बंदा एक थैंक यू लिख देता है वीडियो के नीचे आकर, पढ़ नहीं ऐसे ना, शुक्रे कसम के लोग होते हैं ना, वीडियो से फायदा उठा लेते हैं लेकिन थैंक यू नहीं लिखेंगे आकर। एटलीस्ट बंदा कोई हार्ट वाली इमोजी ही भेज देता है कि चलो, आपको लिखने में लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ भी छोड़ दो, एटलीस्ट वीडियो को कोई व्यू तो रहेगा, कोई कमेंट तो रहेगा, देखने वाला कोई पता होगा कि हाँ इसके जो फॉलोअर्स है इसके साथ कितना एंगेज है। देखने वाले कहते होंगे पता नहीं पागल किसके लिए वीडियो बना रही है, कोई लिखता तो कुछ है नहीं, कोई देखता तो है नहीं, कोई लाइक तो करता नहीं है, किसके लिए वीडियो बना रही है ये, ऐसे लगता होगा ना कि 1.5 लाख फॉलोअर पता नहीं फेक लेकर बैठी हुई है। लेकिन बहनों ने अल्लाह की कसम बहुत मेहनत की है मैंने इन फॉलोअर्स के लिए, जो पता नहीं कहाँ है। दूसरे बच्चों के अब्बा आपके पीछे ना पड़ जाए क्यों, दूसरों के बच्चों के अब्बा मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे। अमन आज थैंक यू सो मच। जैसलीन कौर थैंक यू सो मच। मैं करती हूँ कमेंट्स कुछ कुछ लोगों के, हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कोई कमेंट्स नहीं करता, कोई 3-4 लोग मेरी नज़रों में भी हैं जो एवरी टाइम कमेंट्स करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और जैसलीन थैंक यू, आपने मुझे बैलून भेजे हैं। चले जी, अब ये मेरी आईब्रो में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये बहुत ओवर भी नहीं लग रही है लेकिन खाली भी नहीं लग रही है। मैं कनाडा मिसी सागा में हूँ। हाय मिनियन कैसे हो आप, यूजर 80 थैंक यू सो मच। चलो जी मैं इसको भी थोड़ा फील कर लूँ, इसका भी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। हरमन थैंक यू यारा। अभी आप मेकअप देखते रहो, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या चीज कैसे हाइड करती हूँ। कैलगरी से हो आप, गुड टू नो। अरियास थैंक यू सो मच। एसके थैंक यू सो मच। एक तो कनाडा में ना ये जो टिकटॉक है इसमें कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं है ना, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, आपको वीडियोस के व्यूज से चलो कुछ ना कुछ अर्न हो जाता है, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो जाहिर है आपको कुछ तो मिले ना, ऐसा कोई पागल थोड़े, पागलों की तरह बस वीडियो पोस्ट किए जा रहे, कोई रीजन ही नहीं है। तो सबकी सबका ये वीडियो पोस्ट करने का कोई ना कोई रीजन होता है ना, कि चलो उसकी वजह से, उनके वायरल होने की वजह से उनको कहीं काम वाम अच्छा मिल जाता है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम अच्छा बन जाता है, या फिर काफी सारी जगहों पर टिकटॉक से मोनेटाइजेशन से भी लोगों को पैसे बन रहे होते हैं। कनाडा में वो भी नहीं है कि आपके अगर वीडियो मोनेटाइज हैं तो आपको वीडियोस के व्यूज में से कोई पैसे आ जाएं, तो इसी वजह से ना हमारा जो वो है वो सिर्फ उसी में से होता है, क्लासेस में से। या मैं जैसे एवोन के प्रोडक्ट सेल करती हूँ ना, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, मैं ये सेल भी करती हूँ, अगर मेरे से कोई ये बाय करे उसमें थोड़ा मुझे कोई फायदा हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको अपने फायदे बता रही हूँ, कहाँ से होता है मुझे फायदा और कहाँ से नहीं होता। स्किन में आप क्या यूज करते हो, यूट्यूब पर आकर क्या करूं मैं,
यूट्यूब पे मैं लाइव तो नहीं आती हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ लाइव सेशन करती हूँ ना टिकटॉक पे, वो यूट्यूब पे पोस्ट कर देती हूँ। टिकटॉक पे मेरे पास माशाल्लाह से 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं, जिनमें से बहुत थोड़े से फॉलोवर्स होते हैं, ये आपके सामने है ना, इतने से फॉलोवर्स होते हैं जो लाइव सेशन देख रहे होते हैं। और यूट्यूब पे तो मेरे पास इतने ज्यादा फॉलोवर्स ही नहीं है, वहां किसने देखने जहाँ है वहां नहीं देखते। मिनियन थैंक यू सो मच। मैं यहाँ स्पूली लेकर ना, कि जो मैंने शेड लगाया है इसको जरा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप लोग बस स्क्रीन को टैप टैप करते रहो, हो सकता है हमारे पास अभी आधे पौने घंटे में थोड़े और लोग ज्वाइन हो जाए। आप बेशक पेंसिल के साथ आईब्रो को फिल करो या पोमेड के साथ करो, शेप आपने अपनी आईब्रो का अच्छा सा बनाना है। ठीक है, हाय शमीमा कैसे हो आप। आईब्रोज मेरी डन हो गई हैं अभी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, तो मैं अपनी आईज के ऊपर मतलब ब्राइट वाला कंसीलर, जो मैंने कल कंसीलर यूज किया था वो थोड़ा ब्राइट था, ब्राइट कंसीलर लगाने से आई शेडोज आपके बड़े अच्छे से इनहेंस होते हैं, अभी मैं वो वाला नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे हैवी मेकअप नहीं करना। मैं थोड़ा सा लाइट वाला कंसीलर लगाऊंगी, लाइट वाला मतलब मेरे स्किन टोन का कंसीलर लगाऊंगी, जो कि स्किन से मैच हो के ना हैवी नहीं लगे। आपका ब्लैक आई ब्राउन है, ब्राउन यूज कर सकते हैं या ब्लैक? नहीं, ब्लैक कलर यूज करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो थोड़ा ब्राउन टोन में यूज करेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अब कंसीलर यूज करने लगी हूँ और इसके साथ मैं अपनी आईब्रो को करूंगी फिल। मैंने भी डार्क ब्राउन कलर यूज किया हुआ है, सिर्फ कोई एक ही बंदा जो स्क्रीन टैप कर रहा है, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे हैं, करते रहो टैप। ठीक है, कंसीलर को मैं लगा लूंगी अपने आईलिड के ऊपर। अब ये वाइट कलर का कंसीलर नहीं है ना, लाइट नहीं है, तो ये मेरे आईलिड को डार्क भी नहीं करेगा और ग्रे भी नहीं करेगा और ज्यादा ब्राइट भी नहीं लगेगा। इसको मैं ब्लेंड करूंगी तो मेरे स्किन टोन से ना बड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। मेकअप अच्छा करती हूँ मैं, थैंक यू। मैंने जो 2-3 दिन पहले ये लाइव सेशन किए हुए थे ना, वो मैं इंशाल्लाह आज डाउनलोड करके तीनों इकट्ठे ही पोस्ट कर दूंगी। आप में से जिन्होंने भी वो जाकर लाइव सेशन देखने हो, रिपीट में देख लेना। आप टैप कर रहे हो, थैंक यू सो मच यारा। मैं कनाडा में होती हूँ। मैं कनाडा मिसिसागा में होती हूँ, और मैं कल भी बता रही थी, मैं 14 अक्टूबर को क्लास रख रही हूँ, एक वर्कशॉप, मेकअप वर्कशॉप। आप में से अगर किसी ने अटेंड करनी हो तो $100 चार्जेस है, क्लास के 3 आवर की क्लास है। आप लोग अपना अपना मेकअप किट ले आना साथ में, मेकअप की प्रैक्टिस करने के लिए, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं उनको समझने के लिए, या फिर एक अच्छा सा नेचुरल लुक सीखने के लिए। आप इसे किसी ने भी क्लास बुक करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। एनी आ गए वापस, कहाँ गए थे आप? ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ मैं, लेकिन ये जो मैं अभी क्लास की बात कर रही हूँ ना, वो वाली वर्कशॉप है, वो इन पर्सन है। ऑनलाइन क्लासेस मैं देती हूँ 1-on-1। ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप क्लासेस में लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आती है। 1-on-1 क्लास में तो फिर कुछ अच्छी समझ आ जाती है ना, लेकिन ग्रुप में नहीं, बिगिनर्स को तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, ये मेरा कंसीलर लग गया आंखों के ऊपर, देखो कितना अच्छा मेरे स्किन शेड से मैच भी हो रहा है। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। जो मेरा टिकटॉक का नेम है ना, यही मेरा इंस्टा का आईडी है। देखो आइस कितनी अच्छी क्लीन हो गई है, लॉन्ड्री टाइम। एनी मैंने ना मेरे ख्याल से 2 के 3 दिन पहले लॉन्ड्री की थी, और 2 वीक्स की लॉन्ड्री की थी। वो लॉन्ड्री कम, वो तो लॉन्ड्रा बन गया था यार, कपड़ों की ना पहाड़ी बनी हुई थी, ऐसे माउंट एवरेस्ट बन रही थी वो। कितना टाइम लगा वो मुझे समेटने में, पहले वॉश करने में उसके बाद समेटने में। हम तो बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते। ओ कोई बात नहीं,
हाँ, वो लॉन्ड्री का तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो जितना ढेर लगा हुआ था ना उसको लॉन्ड्री के आगे तो लॉन्ड्री को शर्मिंदा करने वाली बात थी। इतने कपड़े हो गए थे वो लॉन्ड्री रूम से बाहर आते फिर रहे थे। समेटना काम मेरा है। आपके हस्बैंड समेटते थे? लॉन्ड्री मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, लॉन्ड्री हस्बैंड करते हैं, आपके काम समेटना है? नहीं बहन, इधर तो लॉन्ड्री भी हम खुद ही करते हैं, समेटते भी हम खुद ही, और हस्बैंड के कपड़े उनके रूम में लटका के भी हम ही आते हैं, आयरन भी हम ही करते हैं। लॉन्ड्री का ढेर बहुत मुश्किल लगता है। जाकिर थैंक यू। हाय दोहा, वालेकुम सलाम, कैसे हो? हा कैसे हो दोहा? अच्छा चलो सही है, इसी बहाने वो कर तो देते हैं नहीं। ये देखो आईलिड मेरी रेडी हो गई है, मेरी आईब्रो वो देखो कितनी अच्छी नीट और डिफाइन हो गई है, और कंसीलर भी मेरे फेस के साथ अच्छा मैच हो गया ना, अब ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत कोई हैवी चीज लगाई हुई है। लेकिन जो आपने मेरा कल वाला मेकअप देखा तो उसमें देखा था मैंने कितना लाइट वाला कंसीलर लगाया हुआ था, और वो लाइट वाला कंसीलर इसीलिए लगाया हुआ था ताकि मैं जो प्रोमिनेंट आई शेडोज अपने यूज करना चाहती हूँ वो थोड़े अच्छे से विजिबल हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि मुझे विजिबिलिटी शो नहीं करनी है, इसी वजह से मैंने थोड़ा नेचुरल वाला कलर यूज किया है। अब मैं अपने आईब्रो को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। हाईलाइट करने के लिए कोई भी आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो, और मैं आई शेडो पैलेट में से वो जो शिमर वाले शेड होते हैं ना वो लूंगी एज अ हाईलाइटर यूज करने के लिए। ठीक है, ये मेरा हाईलाइटर है, इसे मैं यूज करूंगी यहाँ। आईब्रोज जो है ना इसके साथ हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश। रोकती नहीं, और जिस दिन मैं गुस्से हूँ उस दिन वो भाई क्यों मंडी पोछ। यानी बड़े अच्छे हस्बैंड है यार आपके। काम वाम कर देते ना अभी ना, हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं होता, मेरे सर पे तो सारे काम होते हैं। मैं कहती शुक्र अल्लाह का जो भी कर रहे हैं कि जो भी मेरे सर पे नहीं डालती। मैं बता नहीं, एक दिन मैं लाइव आई हुई थी शायद, नहीं मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे ना आवाज दे रहे हैं यार बात सुनो बात सुनो। मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ, इधर तो आना। मैंने कहा हाँ जी, ये टीवी ऑन करना। मैं उनका मुंह देख रही, मैंने कहा आप सीरियस, मुझे किचन से बुलाया आपने अपना टीवी ऑन करवाने के लिए, उठ के कर लेना था। हमारा तो ना ये हाल हुआ था यार, पानी पिला दो लाकर, यार चाय बना दो लाकर, यार मैंने खाना खा लिया बर्तन उठा दो। हमारा तो ना प्योर देसी हस्बैंड है कि एक चीज नहीं उठ के करनी। नहीं यानी मैं सच्ची कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, जब मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, ऐसा ही होता है भाई। ये देखो इनमें से काफी सारे लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, हिल के कोई काम नहीं करना। और देखो रियाज का भी यही हाल है। ये मेरे यानी आप बहुत लकी हो माशाल्लाह से कि आपके हस्बैंड काम करवा देते हैं ना, तो प्लीज इस बात का जिक्र दोबारा हमारे लाइव सेशन में नहीं करना, को नजर ना लग जाए इस बात को, ना राज ही रहने दो। ये देखो मैंने अपना इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर लिया। मेकअप करने में बिजी होती हूँ। बच्चों को भी रेडी कर देते हैं। बहन मेरे वाले बस चीख रहे होते हैं ये रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक, इन इनको कहो उठ जाए। मैंने कहा इनको मैं कहूँ उठ जाए, आप इनके पास खड़े हो, आप इनको कह भी नहीं सकते कि उठ जाओ, इनको कहने के लिए भी आप मुझे बुला रहे, आप इनको कहो कि उठ जाए। ट्रेन करना पड़ेगा, हो ना जाए बहन कहीं वो मेरे से ट्रेन। मेरी आंखों में ना पानी आ जाएगा हंसता से, मुझे ना हंसी आ रही है इनकी बातों पे।
आपकी नहीं, मुझे अपने हस्बैंड की बातों पे हंसी आ रही है। तो इसी वजह से ना मैं पहले अपना मेकअप डन कर लूँ, मेरी आंख में पानी आ जाता है हंसने से। चलो जी, मैं अब राउंड वाला ब्रश लूंगी, थोड़ा फ्लफी वाला, और उसके साथ लगाऊंगी आई शेडो। और आई शेडो में हम यूज करेंगे थोड़ा न्यूट्रल ब्राउन सा शेड, ऐसे का शेड, ठीक है। इसको मैं क्रीज एरिया में लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने तो शूज भी पहनने हो ना, ये मुझे कह रहे होते हैं बच्चों को, यार वो मेरी शूज ला के देना मेरे पहनने। मेरे यार अपने शूज लेके नहीं पहन सकते। मेरे हस्बैंड को पानी की बोतल पास होती है, आके खोल। आपके हस्बैंड की पानी की बोतल से मुझे याद है, हम खाना खा रहे हो ना और मेरे हस्बैंड को रोटी चाहिए हो, वो बोल के नहीं कहते हैं कि रोटी दे दो, ऐसे इशारा करते हैं। मैंने एकदम से कहा क्या, ऐसे करके इशारा कर, मैंने कहा आपको रोटी चाहिए, कहते हाँ, तुम्हारे को बोल कर तो इशारे क्यों कर रहे हो। हाँ मुझे भी यही लगता है, हम लोगों ने ना स्पॉइल किया हुआ, सर चढ़ा के ना, ये भी काम हम आपका कर देंगे, ये भी काम कर देंगे, उनको बस वही आदत पड़ी हुई है। वो आप कोई काम खुद नहीं करते। अरे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया था, फिर से क्रीज आ गई। चलें जी, कंसीलर को मैं वापस ब्लेंड कर लूँ। और इसके बाद मैंने ना फ्लफी सा ब्रश लेकर शेड लगाया। आप लोगों के हस्बैंड रोटी ऐसे मांगते, बोलने में भी मेहनत लगती है। मैं एक दिन अपने घर वालों को बता रही, वो भी इतना हंसे सुन के। मेरे मदर इन लॉ ने उन्हें कहते ही नहीं है। हाँ ये वो ऐसे ही होता है, जैसे आप बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब अगर आप उनको थोड़ा सा वो यूज टू कर लो काम वाम करने का, फिर वो बड़े होकर भी करते रहते हैं, जो मतलब छोटी उम्र में यूज टू नहीं होते ना, उनसे बड़े होकर भी नहीं होता। ऐसे ही थे, मेरी आंखों से समझ आते, आंखों से तीर चलाती हो आप। आंखें दिखाई, हस्बैंड को समझ आ गई भाई क्या करना है आगे। देख लो यहाँ पर कितने सारे एक्सपर्ट लोग हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और शेड ऐड करूंगी, जितना शेड की आपको पिगमेंटेशन चाहिए होती है ना, डेफिनेटली उतना आप ऐड करके और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। ये हम बिल्कुल ऐसा सिंपल सिंपल सा मेकअप कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा हाव नाव वाला मेकअप नहीं है, ठीक है। मैं नहीं चाहती मुझे शाम को जाते हुए दोबारा करना पड़े, इसीलिए मैं थोड़ा लाइट वाला ही कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ये मैंने सिंगल शेड ही लिया हुआ है, वही लगा रही हूँ। हाँ शादी से पहले अपने कर लेते थे ना, एनी इसी वजह से वो थोड़े यूज टू होंगे। आज मैं सिंपल वाला लुक करी दो। हाँ, मैं अपने बेटे को ट्रेन कर रही होती हूँ, मैं तभी तो उनको कह रही होती थोड़े बहुत हेल्प करवा दो। बच्चे मेरे माशाल्लाह से ना फिर भी काफी सारा काम लाइक कर लेते हैं, क्लीनिंग वगैरह का भी, डिश लगाने का भी। छोटे वाले बेटे को थोड़ा किचन का शौक होता है, वो कुकिंग का कुछ ना कुछ, तो उसमें मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर देती होती हूँ ताकि उसका थोड़ा शौक भी पूरा हो जाए, एटलीस्ट उनको कुछ बनाना भी आ जाए, कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कुछ भी तो वो अपने लिए कुछ बनाकर खा सकें, ठीक है। देखो मैंने बिल्कुल ये लाइट सा शेड यूज किया हुआ है आईलिड के ऊपर। अब मैं ये ब्राउन वाला आई लाइनर लगाऊंगी, ब्लैक नहीं यूज करूंगी। हम लोगों ने ना बच्चों के स्कूल जाना, उनका आज ओपन हाउस है, सॉफ्टवेयर कहाँ से हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना अपने। ना पूछो, सॉफ्टवेयर वाली ना बहुत कहानियां टिकटॉक पे भी चलती रहती हैं। चले जी, मैं लगाऊंगी आईलाइनर, और ये मैं ब्राउन वाला यूज कर रही हूँ, और मैं विंग भी नहीं लगाऊंगी, इसको सिर्फ मैंने अपनी आई तक लगाना है। आलोक स्क्रीन तो टैप कर दो, मुझे बातों में लगा के खुद स्क्रीन टैप करना छोड़ दिया आपने, कहा बस ठीक है ना, बातों में लगी हुई, इसको पता नहीं चलेगा, मेरा ध्यान इधर ही है। आपकी भी बियर्ड आती है अपर लिप्स पे।
जो अपर लिप्स पे आती है ना वो बीएड नहीं होती है। इन लोगों ने आज मुझे मेकअप नहीं करने देना। अपर लिप्स में कभी बीएड आई है? आईलाइनर लगाने लगी थी एक दफा, अब मैं रुक जाऊं, पहले मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर लूं फिर लगाती हूँ, वरना मेरा आईलाइनर खराब हो जाएगा। हाँ मेरी जान, मेरी पहले अपर लिप से बियर्ड आती थी, अब नहीं आती। मुंह चाहती है। ये आईलाइनर किसका है? कोको एड, हाँ कोको एडिट आईलाइनर है। आज आप मूड में है माशाल्लाह, मैं तो रोज मूड में होती हूँ। मुझे कोई सुना दे तो तब मेरा मूड ऑफ सा हो जाता होता है, लेकिन अभी मैं मूड ऑफ करने के मूड में नहीं हूं। आई एम गुड एफ हार्ट यू टू। मौसम अच्छा है यार, आज मौसम अच्छा हुआ है। आप कहाँ थी इतने दिनों से? 3 दिन से तो मैं मुसलसल लाइव आ रही हूँ, आपने मुझे देखा ही नहीं ना, तुसा मैंने तकिया ही नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आता मेरी जान। आपको मुझे फॉलो किया हुआ कि नहीं? काफी सारे लोग बिना फॉलो के भी देख रहे होते हैं ना, फॉलो कर लेना। आपने जिम लगाती? जिम क्या? वही टाइम बाद आई है सामने। मैं नहीं, मैं तो 2-3 दिन पहले भी लाइव थी, आपको शायद कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिला होगा। मैं कल आफ्टरनून में भी लाइव थी और शाम में भी लाइव थी। कल तो मैं दो टाइम लाइव आई, और उसके बाद रात को मैं बेहोश हो गई। सुबह ही होश आया। सुबह होश आया कि दिन चढ़ गई, फिर मैं उठ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल सा मेकअप, और आई लैश इसको मैं थोड़ा सा कर्ल करूंगी। जब भी आप आई लैश इसको कर्ल करें तो अपने आई लैश कर्लर को थोड़ा पीछे ही रखें, कहीं अपना डेला ना कर्ल कर लेना, बाद में पता चला डेले का पटाखा बजा हुआ है। पटक करके आकर डेला कर्लर के अंदर आ जाएगा। मेकअप करके स्कूल जाती है, मतलब उसी मेकअप बच्चों को पिक करने? मैंने पिक तो करना बच्चों की ना, शाम को मीटिंग है। अब मीटिंग कह रही, ओपन हाउस है स्कूल में, तो हमें वहां जाना है। यार एज अ गेस्ट कैसे ज्वाइन करती है? यानी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार ये टिकटॉक, कितना कितना टाइम हो गया हमें टिकटॉक पे, ये गेस्ट वेस्ट अभी तक समझ नहीं आया। मैं देखती हूँ। यानी आपने ज्वाइन करना है? हाय सिमो, कैसे हो आप? मुनज़ा आईलाइनर नहीं करना था? वो तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ज्यादा टाइम नहीं हो रहा सोचा। हाँ मैं आपको लूँ, देखूँ अगर मुझे मिल जाए यार। आप, मैं मेकअप की ना क्लासेस देती हूँ, अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कर लो। अब ये जो लोग लिख रहे हैं हमें मेकअप नहीं आता, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं क्लासेस ही देती हूँ, वहां से क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आ जाना, या फिर मेरी वीडियोस हैं और काफी सारे लोगों की वीडियोस हैं, ऐसे ही आएगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। एनी मैं देखती हूँ। मैंने आपको यानी इनविटेशन भेजा है, देखो जरा गेस्ट का इनविटेशन आया कि किस चीज का आया। आई लेंजेस कोल्ड, हाँ कोल्ड एलर्जी मुझे ना 1 वीक से हुई हुई है, और वो देखो अभी तक ठीक नहीं हुई। टेन काउंट करने तक होल्ड रखें,
मैं भी सेंड की है, देखती हूँ। नहीं हाँ आ गया। ठीक सलाम ठाक। मैं कपड़े तय कर रही हूँ, मेरे से अच्छा। ताप नहीं हो रहा, या तो कपड़े रह जाएंगे या नमकीन लाइव रह जाएगी। ज्वाइन कर लेती एनी आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। हूँ। हल्की आ रही है। हाँ अच्छा अब बहुत। मैं हेडफोन लूँ, अब मैं हेडफोन सुन लूँ। नहीं अच्छा दूर पड़ा हुआ है। फोन तो पास ही है, बट फिर वही बात है ना कि हाँ मुंह के हेडफोन पास सुन नहीं है। लिया था। हाँ मुझे पास नहीं है, हाँ ना और मुंह के आजकल पास पता नहीं है है तो फिर भी आवाज कम वो आती है। वायर वाले हेडफोन्स कोई रखता भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं। मेरे हस्बैंड के पास ईयरबड्स हैं तो मैं उनके वो यूज कर रहे थे। आज वो ऑफिस गए हैं तो वो साथ लेके जाते हैं ऑफिस में। हाँ ओ अच्छा। तो नॉर्मली मैं अक्सर भी इस तरह वॉइस कॉल पे ना वो यूज कर रही थी ईयरबड्स ना। हाँ वो उसके साथ जरा आवाज अच्छी आ जाती है ना, फिर भी कुछ समझ आ जाती है। हाँ अब देखो हो सकता है कुछ हो जाए। कहाँ तक पहुंची लॉन्ड्री? मेरी लॉन्ड्री मैंने भी कपड़े निकाले हैं तो देखो बच्चों के आने तक कपड़े हो जाएं, वरना सही है। एक तो ना ये तो कपड़े इंशाल्लाह। या तो लॉन्ड्री करके बच्चों के जो शर्ट्स होती है ना वो साथ ही हैंग कर दो, फिर भी बेटर है। बास्केट में डाल दो, उनको इतने बल पड़ जाते हैं, वो फिर स्टीम या आयरन करनी पड़ती है स्कूल के लिए। तो मैं ना हैंग नहीं करती, मैं तय करके रखती हूँ। और मेरा तय करना भी ऐसा होता है ना कि वो मेरी सिस्टर कहती है बाद में निकालते हुए भी शर्म आए इसने कहने वाला दरवाजे काम कपड़े थोड़ा रखे मुश्किल हुए लगता है मुझे। ये खराब है। मेरा हम दिल भी करता है बड़ा लॉन्ड्री मुश्किल रूम लगता के है लिए ना लेकिन। एक पूरा कमरा होना चाहिए लॉन्ड्री रूम का। उसके अंदर ऐसे डब्बे पड़े हों बड़े बड़े, ऐसे करके आप लॉन्ड्री उठाओ और ऐसे करके उसमें फेंक दो, फिर जब पहनी है ऐसे करके निकाल लो बस। मेरा ये दिल करता है, मेरा फोल्ड कहीं कर मैंने तो करके बास्केट अलमारियों रखी होती है, में सजाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। कहीं ना तो बास्केट्स रखी होती है ना जैसे बच्चों की, ये इसकी इसकी बास्केट, ये इसकी इसमें शर्ट्स, इसमें पैंट्स, इसमें पजामे, इसमें हाँ सॉक्स। चलो जी बस काम खत्म। काम खत्म ना। हाँ वो वाकई सही रहता, फिर भी फोल्ड कर करके अलमारियों वाला जो काम है ना वो ओखा है। आयुष वगैरह आप अभी यूएसए से हो? आप यूएसए से देख रहे हो हमें? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो जी मैं वो नहीं जैसे ओल्ड हेडफोन्स होते थे वो हाँ पिन वाले, मैं लेके आई और मैं कोशिश करी फोन के अंदर डालने की, मेरे ने अब देखे तो ऑप्शन ही नहीं है। लो जी तो ऑप्शन ही नहीं है। सही होता है भाई। मेरे मेरा पास बेटा लॉन्ड्री ना रूम है बट 4 साल किसी को का कुछ बेटा नहीं। है, उतने नखरे करता है ना कि मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, मैंने वो कपड़े नहीं पहनने। कसम ले उसको पता चल गया। से मेरे बड़े बेटे को अभी तक नहीं पता चला। छोटा नखरे करता है कि मैंने ये सूट, मैंने ये शर्ट नहीं पहननी, मैंने ये पजामा नहीं पहनना। तो मैं कहती हूँ जाओ लेके आओ, मैं कर देती हूँ। देखो बच्चों के भी नखरे मैं शुरू। और मेरी अम्मी कहती है वो मेरे पे गया है, मैंने कहा चलो बात। वालेकुम असलम एंजल। सारा कॉन्टेक्ट लेंसेज ना मैं मल्टी कलर टाइप के पहने हुए हैं, ये मेरी प्रोफाइल में मैंने इनका लिंक दिया हुआ है। तो मेरे पास लॉन्ड्री रूम है बट किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ये है ना जिसके पास जो है वो उसको कहता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन नहीं मिलता। इशू वही है। इशू फिर भी अफिशियली तो सबके सबका सेम है। वही है, किसी ना किसी का कोई ना कोई इशू है। और मेरे जब हस्बैंड कपड़े तय करके रखते हैं ना इतने गंदे रखते हैं ना, मुझे मुझे सारा समेटना पड़ता है दोबारा उनका दराज। मैं कहती हूँ आप मेरी बेटी भी करो। सब क्लोज मिक्स कर देती है। यार ये कपड़े बाकी से मेटने वाला काम बहुत मुश्किल है, हर एक को ही लगता है, हर एक को मजाक लगता के अलावा भी ना कोई ऐसा अच्छा काम है। नहीं है ये। हाँ बहुत गंदा काम है ये। किस किस काम से जान छुड़ाए बताओ। किसी काम से जान नहीं छूट सकती जब तक, इवन मम्मी अभी तक पहले से लेट जब तक है जान तब तक है काम। देती है। लॉन्ड्री हाँ ग्रोसरी समेटना भी हार्ड है। कभी आपने ओ ज्यादा मेरी ग्रोसरी सबसे, करनी हाँ हो ना सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ मैं ले तो आई हूँ, मैंने इसको रखना कहाँ है। कॉस्को की स्पेशली हगीज के ऊपर भी पिक होती देख के चूज कर। हगीज किसके लिए कह रहे हो? जिसके ऊपर भी पिक होती है देखकर चूज करता है कि मैं ये लगाना। अच्छा हगीज डायपर्स वगैरह को कहता है कि मैंने ये वाला पहनना अच्छा वो डायपर के लिए कह रही है। है। हाँ बच्चों को कह रही है कि बच्चों चूज करते हैं। हाँ बहुत बच्चे ने बहुत तंग किया, आजकल के बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए।
जैसे ना मैंने पता नहीं कल परसों मैंने पुलाव बनाया हुआ था, बेटा कहता क्या बनाया, मैंने कहा पुलाव, कहता कुछ अच्छा तो बना देती, तो मैं कहा पुलाव को क्या मसला है, पुलाव अच्छा नहीं है। मेरे तो कुछ खाते ही नहीं, मेरे ने तो बिल्कुल खाना छोड़ दिया जब से स्कूल जाना शुरू हुए, कुछ नखरे खाते नहीं है, बहुत बहुत नखरे करते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है बैठ लो, ये स्नैक्स पड़े जो खाना खाओ। वालेकुम अस्सलाम तंजील, कैसे हो आप? कलर करेक्ट है एलेगर्ड का? और ये कंसीलर मैं मेबिलिन का यूज कर रही हूँ। आपने बेशक नेचुरल वाला भी मेकअप करना हो ना, तब भी आपको अपने फेस को तो कवर करना ही होता है, और स्पेशली जिनके फेस पे पिगमेंटेशन स्कार्स कुछ भी हमारी जो ऐसे के ब्राउन निशान होते हैं ना, स्किन वो आप मीडियम फाउंडेशन के साथ है कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दो तीन चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, जिसके बाद आपका फाउंडेशन वापस हैवी लगने लग जाता है। हाँ, हमारी ब्राउन स्किन पे तो ये कलर कुरेक्शन और ये कंसीलर ये सब लाजमी, अगर आप ये नहीं लगाओगे ना, अनलेस आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्लियर नीट और है, क्लीन फिर है। तो आप कुछ मत लगाओ तो भी ठीक है। लेकिन जैसे ब्राउन स्किन है ना, हमारी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आ जाती है, स्पेशली समर में ना, थोड़ा सा सन में जाओ तो धूप की वजह से ना। हाँ, अब काफी सारे लोग जिनके स्किन पे काफी सारे इश्यूज होते हैं ना, वो कहते हैं हमारा ऐसा नो मेकअप मेकअप लुक कर दो, तो उनका तो नो मेकअप मेकअप करना वैसे ही मुश्किल है, उनके फेस पे जो सब चीजें उसको तो हाइड करना पड़ेगा ना। वही ना, हालांकि आई दोनों की मेकअप कम स्किन कर इतनी सकते हैं ड्राई लेकिन होती है फेस ना, नहीं। उनकी स्किन इतनी ड्राई होती है ना कि उनका जो सारा फाउंडेशन का जो मॉइस्चर है, ये जो भी स्किन केयर हम लोग उन पे लगाते हैं ना, सारा वो ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई ड्राई हो हो जाता जाता है है। ना हाँ इनका, तो एग्जैक्टली हमें देख के फील हो जाता है, लेकिन ठीक है उनको उनको होता है कि हमारी स्किन ऐसे ही है, तो फिर हम कहते हैं ठीक है। रोज हिप ऑयल काफी अच्छा है। नहीं रोज हिप ऑयल किसके लिए कह रहे हो, फेस के लिए कि हेयर के लिए? फेस के लिए? अच्छा, मैंने कभी रोज हिप ऑयल फेस पे नहीं यूज किया, आप लोग करते हो यूज रोज़, रोज हिप ऑयल? वो कौन सा वाला रोज़, रोज हिप ऑयल पता नहीं हेयर के लिए मुझे। तो अच्छा है, मैं हेयर में तो यूज करती हूँ। मैंने मिक्स करके ना, जैसे टी ट्री ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, रोज मेरी ऑयल है, रोज हिप ऑयल है, ऐसे दो चार ऑयल मिक्स करके हेयर पे तो यूज कर रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि मेरे को बड़े तो हेयर कुछ भी नहीं कम हो रहे लगाते, हैं। तो ऑरेंज शेड है ये। शैम्पू मैं हेयर पे कुछ नहीं लगाती सिवाय शैम्पू एंड कंडीशनर के ना, आप ऑयल नहीं लगाते हो? अच्छा है, नहीं बचे बचे हुए बाल बाल, हाँ बचे हुए तो थोड़े थोड़े करके जा रहे हैं वापस, हाँ है शेव ना, इससे पहले कि सारे चले थोड़े जाए। थोड़े करके। हाँ, ये बालों वाला तो आजकल बड़ा सीन है भाई। मेरे तो व्हाइट इतने आ रहे हैं ना, वो जैसे जैसे वो इंडियन ड्रामों में नहीं आते, एक पैच निकल रहा होता है फ्रंट से ओ, मॉडल व्हाइट हेयर बन रही हो है नी? का। मेरा वैसा वैसे मेरे हेयर के पैचेस निकल रहे हैं व्हाइट के ना, तो मैं अपने अच्छा, हस्बैंड को दिखा रही थी, कहते वाह। मेरी स्टाइलिश ओल्ड वुमेन। बिफोर अप्लाइंग फॉर सच डू यू हैव टू पुट मस्कारा ऑन योर रियल, या ऑफ कोर्स उसके साथ जरा इजी रहता है ना। यार आप दोनों में से कोई बता दे एनी अनम के बेस्ट सेटिंग पाउडर फॉर ड्राई स्किन। User 36, ड्राई स्किन के ऊपर तो आप कभी भी कोई भी पाउडर वगैरह लगाओ ना, तो वो स्किन को ड्राई करता है। हाँ किसी ना लेकिन कोई भी आप ट्रांसलूसेंट ले लो, पाउडर फिर भी बेटर मतलब रहता है हाँ ना, ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ना, बस वो लगाए अगर लगाना है तो। हाँ हाँ ना, ट्रांसलूसेंट वाला लगा लो, लेकिन कम क्वांटिटी में लगा लो, बिल्कुल कम क्वांटिटी में, बिल्कुल लाइट लाइट सा सिंगल सिंगल जो लेयर कि लेकर उसको लगा होती लो। अगर ज्यादा लगाओगे तो फिर वही इश्यू करेगा, वो फेस को ड्राई कर देगा। और हाँ पाउडर लगाने के बिल्कुल, बाद ना, कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग स्प्रे, जो सेटिंग स्प्रे होता है, उसके साथ एक दफा स्प्रे भी कर लिया करो, ताकि पाउडर और आपका फाउंडेशन ना दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। पाउडर बना ऐसे ऊपर ना सूखा सूखा सा लगता रहेगा, ऐसा लगेगा स्किन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। हाँ उसकी बेस्ट टेक्निक यही है कि जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तब वो ब्लेंड करते हुए भी, अगर आप वो उसके फाउंडेशन लगाने से पहले और फाउंडेशन के बाद अगर आप सेटिंग स्प्रे कर दो ना, जो हाइड्रेटिंग हो उससे बहुत हेल्प होती है। बहन ये अक्टूबर नहीं, मैंने अक्टूबर ही लिखा हुआ था, वो पता नहीं ओ ए कैसे बन गया। मैंने आज सोचा था मैं लाइव आने से पहले उसको ठीक कर लूंगी, मैं फिर भूल गई, तो वो इसी वजह से वहां ए लिखा हुआ है, अक्टूबर ही है वो। पढ़ने वालों को इसको समझ आ जाएगी। बुखार हुआ था सुबह, इसीलिए नहीं किया। इट्स ओके हमजा, मैं थोड़ा सा ये लाइव कर रही हूँ, अब यूसुफ को ले आओगे आप और हुजैफा? इतनी गर्मी थी बाहर, गर्मी है
मुझे मैंने लग रहा था ट्वेंटी फोर मुझे घंटे मुझे 20 मिनट स्ट्रेट के लिए फील के रोड भगाया था मैं। नहीं शुक्र है मैंने फिर हुडीज भी पहना के भेजी। मैं अपने बच्चों को कही थी हुडीज पहन लो देयर इज लाइक नहीं आज ठीक है तो हाँ मुझे भी लग चक्कर रहा नहीं। था मौसम ठीक है। वो कहते हैं उनकी कोई रनिंग थी ना आज टेरी फॉक्स की शायद वॉक की उन्होंने। हाँ अच्छा मेरे बच्चों की लास्ट वीक थी टेरी फॉक्स मेरे भी दो की। बच्चों की थी इसकी शायद आज थी। ओके वो कौन ओके हमें मैंने ऑफर करा गाजर का हलवा खाने के लिए। अपने हस्बैंड को बोला मैं गाजर का हलवा बना दी कहते इतनी मेहनत रहने दो। मैं कहा ओके हम लोग भी पहले बनाते थे फिर छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने फिर खुद ही मना कर दिया कहते रहने दो नहीं बनाया करो ऐसे खा खा के मीठा वेट गेन हो रहा है। चलो मैं अपने फेस के ऊपर नहीं फाउंडेशन लगा रही हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में लगाऊंगी आज मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी यानी क्या। मैं कहा उनको ये नहीं था कि मीठा खाना पड़ेगा वैसे मजे से खाते मेरे कहते इतनी मेहनत आप करोगे रहने दो। मैं कहा ओके नहीं मेरे वालों ने तो वो मीठे की वजह से इनकी ना लास्ट 2-3 मंथ्स पहले जब डायबिटीज चेक करवाई थी ना तो थोड़ा शुगर का लेवल हाई हुआ था। डॉक्टर ओ अच्छा। ने कहा था थोड़ा सा ना तो कंट्रोल करना नहीं स्टार्ट रखना करो वरना ये किसी मदर फिर की साइड पे थोड़ा सा है ना शुगर का कोलेस्ट्रॉल का। तो उन्होंने कहा था कि आपकी फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे तो फैमिली हिस्ट्री बहुत देखते हैं ना हाँ तो कहे थे कि आप ना एक है मेरी भी फैमिली में शुगर का है ना शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह। मैं तो ऐसे वैसे भी कम ही खाती हूँ मीठा। मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ लेकिन ये तो मिठाई जैसे नहीं एक छोड़ती। एक जोक भी बना हुआ था ना कि फैमिली हिस्ट्री में दूसरों को जायदादें मिलती हैं हमें क्या मिलता है ब्लड प्रेशर शुगर डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल दैट इज सो ट्रू दैट यही मिलता है हमें इज जायदादें तो कोई नहीं मिलती सो ट्रू। कैनेडा में मिल के भी वो कितनी सी रह जाती है। कैनेडा सही बात है। चलो कुछ तो में रह मिला ब्लड जाती प्रेशर ही सही है तुम्हें कोई निशानियां तो मिली हमें। हाँ ये अभी भी जो मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है ना ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का और मेबेलिन का ये दोनों मिक्स करके लगाया हुआ है फाउंडेशन। और मैंने 2 पंप इसके लिए थे 1 पंप इसका लिया था और इनको मिक्स करके लगा लिया और मेरा स्किन का शेड देखो इतना अच्छा बन गया। और ये शाम को जब तक मैंने जाना है ना ये और मेरी स्किन के अंदर ब्लेंड होकर बिल्कुल एक इवन सा टोन बन जाएगा। या ये तो सब ऐसे इसके कलर का नाम भी याद हो जाएगा। रिंकल्स में और क्रीजिंग में फर्क होता है अंडर आई ना। रिंकल्स तो जो आपके नेचुरल हैं वो तो आएंगे आएंगे अनलेस आपका आपका कंसीलर अगर मूव हो जाता है ना तो फिर कंसीलर या तो चेंज करो या अपनी आई क्रीम थोड़ी ठीक करो क्योंकि या तो अंडर आई बहुत ड्राई है उसको हाइड्रेट करो। मेरे भी पहले ऐसे होता था ना मेरे मतलब फाइन लाइंस तो हैं ही वो तो अल्लाह ताला नेचुरल दे दी हैं लेकिन मेरे ना फाउंडेशन बहुत मतलब कंसीलर बहुत मूव हो जाता था घंटे बाद ही ना। मैंने कोई 50 कंसीलर्स चेंज किए हैं फिर मैंने आई क्रीम यूज करना शुरू की तो अब ठीक हो गया। चलिए जी थोड़ा सा मैं ये कंसीलर शेड कंटूर शेड लगाऊंगी ये जो ब्रॉन्जर स्टिक है ना इसके साथ ये थोड़ा सा बड़ी शेड जबरदस्त देंगे। ब्राउजर स्टिक है मुझे इसका ना वो चाहिए क्रीम ब्लश इसी स्टिक में आया है। हाँ ये इप्सी से आया ना मैम आपको भी पहली पहला जो इप्सी का आया था हाँ मेरे ख्याल से इप्सी इप्सी से ही आया हुआ। हाँ ये फर्स्ट इप्सी में मुझे आया था और मुझे भी मेरी इप्सी में सिस्टर ना कहती होती है कि मुझे दे दो मैंने कहा ना भाई ये तो नहीं मैंने देनी मेरे पास एक ही ब्राउजर स्टिक है वो भी बड़ी अच्छी मेरे हाँ लिए ना तो इतनी अच्छी है ये वो। तो मैं नहीं दे रही। फिर मुझे उधर से भी आया था अनस्ताजा से ब्राउजर नहीं आया जो नए इनको नए लॉन्च किए थे लास्ट इसी समर में वो आया मैं कहा वो ले ले कहती नहीं वो मेरे पास है मुझे नहीं चाहिए मैं कहा फिर मैं ये नहीं दे अरे परसोना की जो ऐसे की स्टिक है ना परसोना की ये वाली जो स्टिक है ब्रॉन्जर स्टिक वो भी बहुत अच्छी है। इससे पहले मेरे पास वही थी खत्म अच्छा हो गई मैंने कहाँ बिल्कुल से ली सारी थी कहाँ लास्ट तक यूज की वो। कहाँ से ली थी। अच्छा वो मेरे ख्याल से जब मेरा बॉक्सी चार्म था ना उसमें आई थी वो। अच्छा 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 विच आई क्रीम एनी वो पूछ रहे कौन सी आई क्रीम कह रहे हो आप। मैं वो यूज करती हूँ यार मैं कल कौन सी दिखा रही थी नाम नहीं मुझे याद आ रहा वेट करो मुझे नाम याद करने दो। वैसे तो मैं शार्लेट टर्बरी की लगा लेती हूँ मेरी सिस्टर ने मुझे लाके दी थी उस सेफोरा में काम करती हूँ तो उसको फ्री में मिली थी तो या तो वो लगा लेती हूँ। मोस्टली मेकअप से पहले मैं वो लगाती हूँ ओले हेरिक्सन की ब्राइटनिंग आई क्रीम है इट्स रियली गुड और 25-30 डॉलर की मिलती है ज्यादा महंगी भी नहीं है और खाली अगर आप यूज करने वाले हैं तो अच्छे खासी साल गुजर जाएगा आपको उस क्रीम से थोड़ी थोड़ी लगानी होती है।
सोते बेस्ट होता है, अगर आप सोते हैं सोने से पहले आई क्रीम लगा लो ना तो मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो मोस्टली मोस्टली सोने से पहले सिर्फ आई क्रीम लगा के सो जाती होती हूँ। मुंह हाँ धोना ये भी सही तो है। आई क्रीम मैं लगा लेती ताकि, क्योंकि अब पता है एज हो रही है बंदे की तो हाँ अब हाँ वो रिंकल तो फौरन आने लग फाइनलाइज जाते हैं नहीं ना, आई तो अंडर आई फाइनलाइज एरिया सबसे पहले तो डार्क होता और सैगी होने लग जाता है, आंख में से है। पता चलता बुढ़ापा आ रहा है। हाँ मेरी तो फाइन लाइंस बहुत ज्यादा है तो मुझे अब मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया खैर फाइन लाइंस को, लेकिन हाँ अगर वो जैसे कंसीलर मूव हो तो वो मसला है, वरना फाइन लाइंस तो नेचुरल है भाई, उसका कुछ नहीं आप कर सकते। या तो बोटॉक्स करवा लो उधर फिलर्स हाँ स्किन केयर का लगा ऐसे लो ही है, बस जब तक ध्यान रखते रहोगे तब तक स्किन अच्छी रहेगी, जब छोड़ दोगे तो या बस फिर बुढ़ापा तो जाहिर नजर तो आएगा ना, वो तो दिखाएगा। मेकअप से ज्यादा ना स्किन केयर हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि मेकअप से तो आप वो ज्यादा चीजें दिखती है ना, हाँ मेकअप नहीं किया हुआ तो फिर कहाँ दिखेंगे इतनी फाइन लाइंस, वो दिखेगा कि चलो आपकी अपनी स्किन, जब आप मेकअप करते हैं ना तो ज्यादा चीजें एनहेंस हो जाती हैं। अंडर आई ऑरेंज नहीं रहेगा, अंडर आई पे सिर्फ मैंने अभी कलर करेक्टर लगाया हुआ ना इसीलिए ऑरेंज है, अभी मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ना अपना फेस कवर करती हूँ ये कंटूर ब्रॉन्जर लगाकर ब्लश ऑन लगाकर, उसके बाद फिर मैं ये लगा लेती होती हूँ आंखों के नीचे। मैंने पहले ब्रॉन्जर लगाया था उसके बाद मैंने यहाँ ब्लश ऑन लगाया, अब मैं हाईलाइटर लगाऊंगी क्रीम वाला, हाईलाइटर ब्लेंड करने के बाद फिर आंखों के नीचे कंसीलर लगाऊंगी। ये मैं हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, ये है कारा ब्यूटी का क्रीम वाला प्रोडक्ट है, ये भी यहाँ यूज करूंगी, यहाँ यूज करूंगी। मेरे पास कारा ब्यूटी का ना एक ही था, वो डिब्राउन था, वो क्या भी खुश था? हो गया मेरा डिब्राउ आईब्रोज के लिए, अच्छा, वो भी मेरा खुश हो गया। मैंने कहा इंग्लोर नहीं डाला उसमें? है पर इंग्लोर में उसमें भी डालती हूँ, अनस्ताजिया वाले में भी डालती हूँ, अनस्ताजिया के मेरे ये पास वो जेल वाले जो आईलाइनर। भी प्रोडक्ट है इन सबका यही मसला है, इंग्लॉट का जो है ना वो जेल आईलाइनर वो नहीं अभी तक ड्राई हुआ, या फिर मेरे पास एक एवॉन का जेल आईलाइनर है वो भी नहीं ड्राई हुआ, अदरवाइज मैंने भी जितने ट्राई किए ना ड्राई हो जाते हैं। हाँ मैंने वो लिया हुआ है मेबिलीन का, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है ना आजकल। हाँ जेल आईलाइनर जेल एक तो वो ड्राई जल्दी हो जाता है, स्मच प्रूफ है, तो मुझे लगता है वाटर प्रूफ भी है। तो मैंने एक दो बार अपने क्लाइंट्स पे यूज किया था तो मैंने फिर, क्योंकि वो 2-3 दिन तैयार होने थे तो मैंने पूछा था, कहते हाँ बहुत अच्छा है वो, हमें मेकअप से उतारना पड़ा था, मेकअप रिमूवर से अच्छा ना। चलो अच्छा। हाँ मैंने कहा चलो अच्छा फिर तो, हाँ जी मेकअप स्टफ यार एक्सपायर होता होता है, सारे स्टफ्स के पीछे बहुत डिटेल्स लिखी एक्सपायर होती होता हैं, है। ये जब आप बाय करते हो ना कोई भी मेकअप प्रोडक्ट उसके बॉक्स के ऊपर भी उन्होंने डिटेल दी हुई होती है कि ये कब एक्सपायर होगा, तो जब भी आप प्रोडक्ट बाय करो बस ध्यान रख लो कब एक्सपायर होगा। मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सपायर भी हो जाते हैं, हम तो यूज कर ही हाँ जाते मैं तो यूज कर लेती हूँ, अगर जब तक मुझे जलन नहीं फील हो रही है, जब तक मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है ना, तब तक तो मैं तो यूज करती रहती हूँ मैं खुद अपने मेरे ऊपर जैसे आई शेडोज है कुछ पर्सनली। पुराने कुछ लिपस्टिक्स हैं यूज हो ही रही होती है। या पर्सनली जो मेरे हैं वो तो मैं यूज करती रहती हूँ, बाकी क्लाइंट्स का फिर वही है ना कि आपको उनके उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो वो फिर मैं अपडेट करती रहती हूँ, साल में 2 साल बाद कर देती हूँ, साल दो ना साल बाद। अपने यूज वाला तो इतना कोई मसला नहीं है। अब मैं इतने सारे फाउंडेशन अगर मैंने एक साथ ही लिए और एक साथ ही खोल लिया, अब जैसे मैंने जो आपको लास्ट टाइम दिखाए थे ना हाँ लोरा मर्सी, नहीं लोरा के नहीं थे, क्या था वो ब्रांड जहाँ से मैं फाउंडेशन लेके आई थी, मैंने आपको दिखाए थे, वो मैंने अभी तक नहीं ओपन की, पिछले मतलब मार्च के लेके आई नहीं अच्छा मैं कहा मैंने नहीं खोलने जब तक ये पिछले नहीं खत्म होंगे, नहीं तो इन्होंने हाँ बीच देखो ना फिर वो साल खत्म मेरे पास भी मैंने ऐसे फाउंडेशन ले लेकर रखे हुए हैं और हो जाएंगे। अभी तक मैंने खोले नहीं। मैंने हुदा ब्यूटी का कंसीलर ऑर्डर किया, वन साइज का प्राइमर ऑर्डर किया और मुझे खोलना भूल जाता है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जान के नहीं खोला, एवरी टाइम मुझे होता अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगी मैं तब इसको खोलूंगी और वीडियो बनाऊंगी, या लेकिन वो और इतनी सारी चीजें होती हैं यूज करने वाली कि वो बेचारे तो रह जाते हैं। वही ना, मैं कभी कभार तो कुछ इप्सी की भी चीजें नहीं खोलती ना, स्पेशली स्किन केयर की ओपन नहीं करती मैं इनका, जो मेरा भी काम है नहीं इनका, अगर ये इनको मैंने ओपन कर लिया ना तो फिर बात वही है कि इन्होंने अपने, इन्होंने तो अपने टाइम पे एक्सपायर हो जाना। सही बात है। आई या गो आउटसाइड एट द बाय बाय। कैन यू एक्सप्लेन मी वेयर यू कैन यूज कंसीलर ब्राउंजर बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन? इसके लिए ना क्लासेस ले लो सुमेरा, इतनी डिटेल मतलब जैसे बताएं, अब आपके फेस के अकॉर्डिंग आपके फेस पे जो सूट करो उस हिसाब से होगा ना। मैम क्लास रख रही है कब? 14 को? हाँ उसकी क्लास में जाके लर्न कर लो।
3 घंटे फॉर 100 डॉलर्स इज वेरी गुड. 3 आवर्स लाइक 100 डॉलर्स इज नथिंग. मैंने देखा है कि कई लोग तो पता है, एक मैं देख रही थी, एक ना हेयर स्टाइलिंग के लिए टीच करने आ रहा था ना कोई, हाँ कहाँ से पता नहीं कहाँ से आया था. मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना उसकी हाँ जी, आज क्लासेस मैं लूंगा. जल्दी वो में नहीं हूँ, मुझे जैसे, ना बेटे को भी चेक करना जाना स्कूल। वो जो नहीं जैसे रशियन हेयर स्टाइल्स होते हैं, हाँ मैं कहा चलो आते तो हैं बंदा, थोड़ी और टेक्निक सीख लेते ना. अब इस सीखने में क्या सीखना, तो कभी बंद नहीं करना चाहिए. खैर मैंने उसकी देखी 1 डे की, 5 आवर्स की, पता है कितने, हाँ 1500 डॉलर्स. ऐसे है। अरे मैं भी जो हेयर केयर ओह क्लास नहीं लेकर आई थी मसूदा से, मैं भी 1500 की लेकर आई थी। माय गुडनेस. पहले खुद तो सीख लो, क्लासेस देने चली हो ठीक है मेरी जान, पहले खुद सीख लूंगी फिर दे दूंगी क्लासेस, फिर ले लोगे ना आकर, प्रॉमिस करो पहले मुझसे। ये वो लोग होते हैं जिन्हें खुद सीखते ना किसी को कुछ करने देते हैं. मतलब अपना तो कुछ हो ये नहीं रहा, जो कोई कुछ कर रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करने से हाँ, और ये वाले सारे लोग हमारी हमारी किस्मत में, हमारे लाइफ में ही होते हैं। रहती हूँ. किसी और के लाइन में जाके बोल के तो देखें. बाकियों की लाइफ में बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं यार, इवन के जो गाली गलौज भी यार बैठे कर रहे होते हैं ना, जो उल्टी सीधी हरकतें भी इतनी कर रहे अजीब होते हैं, अजीब उनके लाइफ सपोर्ट होती के है ना. लोग भी होते हैं बस। हाँ इतनी अजीब अजीब लाइफ होती है, गालियां दे रहे होते हैं उनकी, गालियों पे हंस रहे होते हैं. मतलब सीरियसली हाँ मैं तो एंजॉय कभी कर रहे होते हैं कभी ना, मुझे इवन के ये सुनते जो हुए अभी भी वो हो रही होती है, और लेके मैं कहती हूँ कि वाह भाई वाह, इस तरह के लोग भी हैं जो उनको गिफ्ट्स भी सेंड कर रहे हैं, गालियां भी हाँ दे रहे हैं, फिर उनको कह रही हो आप सही कर रहे हो, हाँ ये इवन है के अभी ये उसकी जो लाइफ. आजकल एस्मर वाली वीडियोस चल रही है, 4 पॉइंट के लोग होते हैं वहां देखने वाले कौन से लोग, एस्मर वो कौन सी लाइव यार, एस्मर वाली लाइव ना होती ऐसे ऐसे कर रही होते हैं बैठ कर, और इतना सा 5,000 बंदा देख रहा है उसमें, उनको कोई सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, और मुझे तो साउंड भी गंदे लगते हैं वो। और वो उनको गिफ्ट भेज रहे थे ना. हाँ हाँ वो गिफ्ट के पे वो साउंड्स निकाल रही थी. एक मैंने देखा था, मैंने कहा क्या कर रही है, समझ हाँ वो जो साउंड वाली, गिफ्ट के साउंड वाली, वो भी कोई रही है अलग ही ना. और सीन मैं ना निकला हुआ। बैठ के समझ रही ये कर क्या रही है. मतलब मैं कहा शायद वैसे ही कुछ कर रही है इस पे. मैं कहा नहीं, ये तो रिपीट में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है. हाँ वो ना रोबोट बने हुए आजकल वो, कि हमें जो भी आप गिफ्ट सेंड करोगे हम आपको उसका साउंड निकालेंगे। 4,000 बंदा बैठा वहां गिफ्ट भी सेंड कर रहा है और उनको एंजॉय कर रहा है। एक हमारी हाँ लाइव है जहां पर हम टीच कर रहे हैं और यहाँ हमें बातें सुनने को मिल रही होती है। अपनी आंखों में व्हाइट कलर नहीं यार, व्हाइट कलर नहीं कर लगाना रहे मैंने अभी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है ना, तो डे टाइम में व्हाइट कलर आंखों में अच्छा नहीं लगता फिर। कहते नहीं भी, आप टीच भी क्यों कर रहे हो भाई, आप अपना आपको अपग्रेड क्यों कर रहे हो भाई, आप हो ही नहीं कि बड़े बेकार लोग. मतलब अच्छी लग रही है. आंचे कौन सा आई शेडो यूज किया? आई शेडो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है शेडो सॉफ्ट सा ना. मैंने शाम को कहीं जाना है तो मैंने कहा था ये लगा लूंगी. तो ये इस वाले पैलेट में से ये वाला यूज किया हुआ, सिर्फ एक ही आई शेडो है ये वाला, अच्छा ठीक है. हाइलाइटर ये वाला लगा लिया था। वो थोड़ा सा पर्पलिश पिंक, सॉफ्ट पिंक में नहीं आता जो पिंक और पर्पल को मिक्स करो तो एक हाँ बहुत प्यारा सा हाँ कलर बन जाता है, वो लग रहा है. वो शायद लाइटों में भी ऐसा लग रहा होगा ना। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। देख लो आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सॉफ्ट वाला लुक करके दिखा दिया, वरना हाँ लोग कल तो ये सारे कह रहे देखो थे तो ना, ना आप ड्रोन, एवरी टाइम डार्क करते हैं, लाइट में क्या करें। कल तो बड़े बड़े नाम दिए थे आपको, जीब्रा और पता नहीं क्या हाँ क्या. कल बहुत वाला मेकअप ना एंड पे अच्छा हो गया था, मतलब उसका लुक ऐसा अच्छा बुरा लग नहीं रहा लग रहा था, था ये. लास्ट में आके अच्छा हो गया था वो। हाँ नहीं वो बंदा खुद भी कर रहा होता, तो जो अगर लोग इस तरह के कमेंट करें ना, फिर थोड़ा सा खुद को भी फील होता है यार ये मैंने क्या कर दी इतनी मेहनत करके भी. लेकिन मैंने बाद अपनी वीडियो खुद ही देखी तो मुझे लग रहा था अच्छा लग रहा है यार, ऐसे माड़ा नहीं लग हाँ नहीं रहा नहीं इतना एंड पे बहुत अच्छा लग रहा था, वही तो मैं बोल रही हूँ. कुछ। मैंने आपको भेजा था ना इप्सी से, मुझे फेक ईमेल आई थी कि आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं. मैंने कहा भाई इनको कौन बताया, हमें ऑलरेडी इप्सी से आ रहा है. मैं वही कह रही थी वो जो साथ में लिख देते ना ऑफिशियल वेबसाइट. मुझे तो डियोर से आ रही है, बेनिफिट से आ रही है, ये इन हाँ सब लोगों से आ रही है. मैं कहती हूँ भाई कहीं कोई रियल वाला भी भेज दे तो कुछ बन जाए हमारा. ऐसा फेक होती है. हाँ
प्लीज कलर्स दोबारा। नहीं यार मेरी जान, अब ये लाइव सेशन जब मैं यूट्यूब पे डालूंगी अब तब देख लेना, मुझे अपने बेटे को पिक करने के लिए जाना है। टाइम हो गया ना। हाँ वो ना वैसे तो मीटिंग तो उनकी शाम को ही है ओपन हाउस में, सर बेटे को पूछ के आती हूँ अगर वो पिक कर ले तो। मिन्नत करके आती हूँ उसकी, 1 मिनट आई। हाँ उस टाइम पे तो आया था, थका हुआ था ना सर। हाँ मस्कारा स्मूथ एनी ब्रांड वाटरप्रूफ यूज कर लिया करो। मेबलिन का आईलाइनर होता है वो पॉट वाला, वो वाटरप्रूफ होता है, वो यूज कर लो, लेकिन उसको ड्राई होने दो ना पहले। और मेबल नहीं, टू फेस का है वाटरप्रूफ मस्कारा, वो भी अच्छा है। इनको मेकअप के टाइप्स नहीं पता, वो जज भी बन। हाँ वो ऑफ कोर्स ये सही है। पहले मुजफ्फा को ले जाना ओपन हाउस पे, फिर बाबा आ जाएंगे या फिर मार्केट में चले जाएंगे। मस्कारा जो है ना उसको ड्राई होने दो ना पहले। आप कभी कभी देखिए होता है कि आंख पे लग जाते तो पानी के तो उसमें हो ही जाता है। टू फेस का ना, टू फेस का वाटर प्रूफ मस्कारा है वो, तो मैं क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ, वो तो मेरा पर्सनली मैं हाँ खुद जी भी यूज मैं वही करती कह हूँ। रही हूँ, दूसरा पीडी चला ऐसा ना हो, आप स्मूथ रिकॉग्नाइज का नहीं वो करें। स्मच नहीं होगा। कर लेंगे और मैक का इतना वाटर प्रूफ नहीं ओके। होता। वरना आई यूज मैक टू, मैक का वाटर प्रूफ नहीं होता। आप टीचर से खुद या कह देना। उसकी वाटर प्रूफ होती हैं आई पेंसिल्स, क्या नाम है, अर्बन डिके की। अर्बन डिके की भी स्मच प्रूफ होती हैं और उसकी भी स्मच प्रूफ होती हैं। मेकअप फॉरएवर की थोड़ी महंगी होती है लेकिन स्मच प्रूफ होती है। कौन आई पेंसिल्स? आई पेंसिल्स ना, वो अच्छा पूछी थी कि मस्कारा और वो ना स्मज हो जाता है ना, तो हाँ मैंने कहा मैं तो टू फेस का वाटर प्रूफ मस्कारा यूज करती हूँ, मैं क्लाइंट्स पे भी यूज करती हूँ ना, वो कहती हैं बड़ा अच्छा है, मतलब ब्राइड्स वगैरह पे भी यूज कर रही होती हूँ तो बिल्कुल समझ नहीं होता। मैं तो अपने बेटे को कह ही, वो जाकर ले आएगा यूसुफ को। मैंने कहा मैं मेकअप कर ही लूं, बच्चों के बड़े होने का कोई फायदा हमें भी तो हो। यार डार्क तो तभी लगेगी ना जब आपकी अंडरटोन ठीक नहीं है ना। अंडरटोन तो पहले अपनी पता करो क्या है, अगर आपकी अंडरटोन येलो है और आप न्यूट्रल कलर का फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो वो तो ग्रे हो ही जाएगा। पहले आप देखो आपकी अंडरटोन क्या है, येलो है, न्यूट्रल है, कूल है, क्या है। हमारी तरफ बारिश नहीं, बारिश नहीं हो रही है। हुई नहीं अभी तक बारिश। लो जी मेरे तो कपड़े भी तय हो गए ना, मैं आपसे बात करते करते। जैसे एक दिन मैंने अपने ब्रशेस साफ करने थे तो मैं लाइव आ गई, मैंने कहा चलो साथ साथ बातें हो जाएंगी, साथ साथ ब्रशेस साफ हो जाएंगे, वरना रह ही जाते हैं। लगाने हाँ का नहीं तरीका रहते सही हो भाई, तो मैंने भी प्रोडक्ट अभी काम कर ब्रशेस साफ सकते करने मेरे हैं। वीकेंड प्लीज ट्यूजडे है टेल ना मी सर। अबाउट आई लैशेज। यार ये आई लैशेज मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ से लिए हैं, लेकिन मैं इनको वापस ढूंढूंगी। ये 3D आई लैशेज हैं, ये एक दो दफा पहले मैंने अमेजोन से ली थी, अमेजोन पे भी होती हैं, लेकिन ना आई लैशेज इतनी ज्यादा होती हैं कि आपको ऐसा शेप ढूंढ के लेना पड़ता है। अब मुझे ये नहीं याद मैंने अमेजोन से ली हुई है, शीन से ली हुई है कि टीमू से ली हुई है। मैं कहीं से भी मुझे ये सेम आई लैशेज नजर आएंगी तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को भी मिल जाए। बाकी लगी भी अच्छी लगती है। खुदा बेबी का यूज कर लो, लूज पाउडर, बट ट्रांसलूजेंट यूज करना बहुत लाइट। टीमू स्कैम है अच्छा, हमारे साथ तो नहीं हुआ आज तक, आपके साथ हुआ है ना टीमू का स्कैम? टीमू का स्कैम जो है ना, वैसे भी कोई वेबसाइट नहीं आती है, कोई प्रोडक्ट नहीं आती है, जहां पर उसकी फेवर्स होती है ना वहां पे उसके लिए हेट भी होता है। तो काफी सारे स्कैम तो लोग तब है ना जैसे वो जो लोग कह रहे होते हैं आप टीमू को ये करो तो आपको $500 के फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, वो स्कैम है। हाँ, आप लोगों ने पे ऐसे करके स्कैम भी लोगे तो बनाए नहीं हुए बनेगा थे। स्कैम आपको। मैं तो इतना कुछ ऑर्डर किया हुआ है टीमू से, मैंने अभी वो हमने ऑर्डर खुद किया है, वॉल्यूमाइजिंग पाउडर ना, हेयर के लिए वॉल्यूमाइजिंग पाउडर होता है ना जो टेक्सचर, हाँ
वो मैंने यहाँ से लेती होती थी 15-15 डॉलर का ना, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ना, अभी मतलब अगर 4-5 क्लाइंट है तो उधर ही खत्म हो जाता है, डिपेंड करता है ना हेयर स्टाइल पे। तो वो मैंने एक बार लिया, मैंने 6 क्लाइंट्स पे यूज किया, वो खत्म हो गया उसी दिन। टीमों का? नहीं, टीमो का नहीं, मैंने लिया था ये विनर से, मैंने अच्छा लिया था तो ऑलमोस्ट 20 डॉलर्स का। मैं कहा है ये क्या हुआ है, फिर मैं कहा चलो मैं टीमो से ट्राई करती हूँ यार। अन्ना मैंने मंगवाया फुल फुल बॉटल्स, अच्छा फुल बॉटल्स आई हैं एंड सेम टेक्सचर है। मैंने अभी तक यूज नहीं किया लेकिन टेक्सचर यू नो आप उसको फील भी करो तो टेक्सचर पता चल जाता है, सेम टेक्सचर है। मैंने कहा अगर ये अच्छा निकला है मैं तो फिर यहीं से ऑर्डर करना। तो मैंने यूज करके बताना मुझे भी। हाँ मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक था उस पर डील लगी हुई थी, 3 मिले मुझे, 3 डॉलर, 3 मुझे मिले 6 डॉलर्स के। क्योंकि पाउडर तो काफी यूज हो जाते हैं ना। हाँ वो ना फिर ज्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ता आपको बालों पे। स्प्रे करके तो चिपकने लग जाते हैं। विच कलर ऑफ हुदा ब्यूटी शेड बता दें फॉर ड्राई फेयर कलर टोन। ट्रांसलूजेंट, उसका कोई कलर नहीं होता, वो व्हाइट पाउडर होता है ओनली। तीनों वालों की चीजें अच्छी होती है, डिपेंड करता है क्या मंगवा रहे। अगर कुछ बहुत मतलब मेरे हस्बैंड ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाए थे उनको तो पसंद नहीं आया। मैं तो कहती मेरी तो थोड़ी बहुत मेकअप की चीजें होती हैं जो मुझे पता है कि सस्ते में अच्छी मिल जाएंगी यहाँ से, तो मैं वो मंगवा लेती हूँ। डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर, सुपर डार्क सर्कल्स का के लिए कौन सा कंसीलर। सुपर डार्क सर्कल्स के लिए पहले कलर करेक्टर लगाओ ऑरेंज कलर का। सुपर उसने कहा सुपर डार्क, सर्कल हाँ सुपर सुपर डार्क डार्क, सर्कल इसके लिए पहले आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाएं, फिर उसको थोड़ा सा सेट करें पाउडर के साथ, बीजी आपने बिल्कुल मैसेज का डार्क आंसर नहीं डार्क। किया। क्या था मैसेज आपका? पता है इधर कमेंट से ज्यादा होता है ना, तो कोई ना कोई मिस हो जाता होता है। वापस अपना मैसेज जो भी आपने टाइप किया हो ना, उसको के कॉपी कर बारे में लिया करो, हाँ बार बार कमेंट्स टाइप करना करते रहा करो, ताकि प्लीज। जैसे ही आपके मैसेज पे नजर पड़े तो आपका रिप्लाई यार आप मिल जाए। देखो ना आपकी क्या येलो अंडरटोन है कि मतलब अपनी वेन्स देखो ना क्या है, ग्रीन है क्या है। मेरी तो ग्रीन है, ग्रीन एंड ब्लू होती है, तो मैं मुझे पता है मैं न्यूट्रल टू येलो अंडरटोन हूँ। क्या पूछ रहे आप दिलावेश जोबिया, क्या पूछ रहे हो? कॉन्टेक्ट लेंसेस आई गेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस। कॉन्टेक्ट लेंसेज पूछ रहे? लेंसेज ये मल्टी कलर लैब के, मैंने प्रोफाइल में लिंक डाला हुआ है मल्टी कलर लैब का, अगर अगर आपको आपका ब्लू है ना देखना तो फिर आप न्यूट्रल हो, तो आपको फिर न्यूट्रल कलर का फाउंडेशन लेना चाहिए जिसमें येलो अंडरटोन बहुत लाइट हो, जैसे ब्लू, जैसे जिसमें ब्लू है। नहीं लिप देख लाइनर सकते कौन हो। सा यूज कर रही थी मैं? एले गर्ल का स्पाइस, एले गर्ल का स्पाइस शेड है। अच्छा शेड है, मैं तो अच्छा कर लग रही रहा थी, है, कभी मेरे ड्रेस के साथ भी मैं जा तो रहा पहले अगर कब वो कर रही हूँ ना कपड़े तय कर रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर्स को कॉल कर लेती थी, बड़ा जल्दी टाइम पास होता है। आज वो अवेलेबल नहीं थी, आप लाई थी, मैं कुछ आपको कॉल आपको कर लेती हूँ। नोटिफिकेशन नहीं मिला? आपने मेरा वो व्हाट्सएप से वो सब्सक्राइब किया हुआ है, व्हाट्सएप का जो चैनल है वो, वहां पर मैंने डाला था कि मैंने लाइव आना है। व्हाट्सएप वाला चैनल, एनी व्हाट्सएप पे भी तो चैनल आ गया ना, अच्छा मुझे तो नहीं पता। सीरियस सही बताओ। ये व्हाट्सएप का जहां स्टेटस लगाते हैं ना, हाँ नहीं, अच्छा वहां न्यू अपडेट आई हुई है ना, अब उधर ही उधर जहां स्टेटस लगता था वहां पे आप न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हो। अब आपको फेसबुक का ये मतलब डिफरेंट कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से लोग आपका चैनल सब्सक्राइब कर ले और वो तो कोई फिर और लिंक्डइन वहां पर के कुछ पास टाइप आपका नहीं कर नंबर सकता, होगा। लेकिन आप अपनी अपडेट्स दे सकते हो अपने चैनल में। तो मैंने वहां चैनल पे मेंशन किया था कि मैं लाइव आ रही हूँ। अच्छा नहीं हाँ वो तो ये नहीं कि जिन जिन के पास आपका नंबर होगा उसी के पास जाएगी अपडेट। अच्छा नहीं, अगर आप अपना लिंक वो कर लोगे ना, कॉपी करके मैंने अपने टिकटॉक पे डाला हुआ है, ये देखो रिव्यूज बाय अनम का चैनल व्हाट्सएप पे,
वाह यहाँ भाई। पर मैं फिर वो आने से पहले मैसेज लिख दिया था कि मैं लाइव आ रही हूँ। मुझे अच्छा 18 फॉलोवर्स है मेरे अभी व्हाट्सएप पे। ओह नाइस, चलो मैं आप भी में से भी देखती किसी ने हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया हुआ तो कर ले। चलो मैं देखती हूँ अभी फारिग होते ना। फेसबुक पे भी डाला था मैंने कि मैं लाइव आ रही हूँ, फेसबुक ग्रुप पे भी। सही उसके नीचे है व्हाट्सएप किसके? हाँ वो स्टेटस के। मेरे पास तो नहीं है। आप भी क्या ग्रीन है, मेरे मेरे टिकटॉक की प्रोफाइल में जाओ, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहां से जाके फॉलो कर लो। आई लैशेस लगाने के बाद हैवी क्यों लगती है? क्योंकि वो हैवी होती है, जो हैवी होती है वही हैवी लगती है। या फिर आपको बहुत ज्यादा यूज टू नहीं हो ना आई लैशेस लगाने के लिए। नए नए आई लैशेस लगाओ तब भी ऐसे लगता है। हम लोगों को तो यूज टू हो गया ना। ठीक आई लेंजेस मैं मल्टी कलर लैब के यूज कर रही हूँ, मेरे प्रोफाइल में लिंक है। ड्रेसेस ऑर्डर किए थे वो लाइव के, लाइव पहने चीन से जो ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। क्या किया था मैंने? वो तो ऐसे ट्रैक सूट वगैरह थे ना, वो तो लेंस का कलर का नेम नहीं निकाली। पता। ऐसे ग्रीन से कलर, ये ग्रे से कलर के हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखना, जो भी ग्रे नजर आए ले लेना। कलर याद नहीं रहते यार, इतने सारे लेंसेज है कहाँ नाम याद रहते हैं। हाँ मैं आई लैशेस का लिंक ढूंढ के रखूंगी। क्या याद करूंगी आप लोग, आप लोगों को लिंक ढूंढ कर देती हूँ मैं आई लैशेस का। आपका आ नहीं रहा रिव्यूज भाई अनम। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा वॉक स्टार्ट किया अभी। रिव्यूज भाई अनम नहीं आ रहा मेरी प्रोफाइल में, मैंने लिंक दिया हुआ उस पर भी नहीं आ रहा व्हाट्सएप का। मैंने डाला था यार, लेट मी चेक। ये देखो ये मेरे टिकटॉक की प्रोफाइल है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा ये लिंक नहीं नजर आ रहा ये वाला। ये देखो इसको खोलोगे तो यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। सर्च नहीं करो ना, यहाँ मेरे लिंक से चले जाओ आप। ये देखो यहाँ चले जाओगे, यहाँ पर ये रिव्यूज बाय अनम आ गया, ये व्यू चैनल है, यहीं से आपको फॉलो चैनल आ जाएगा। अच्छा ये अनन, आपने ये टिकटॉक पे कैसे ऐड किए? मेरे से तो नहीं ऐड हो रहे ये लिंक्स वगैरह। ये तो मैंने solo.2 पे किया। मैं अच्छा, ठीक है। उस पे सोलो अकाउंट डॉट टू बनाया था पहले आपने? हाँ उस पे अकाउंट बनाया था पहले हाँ आपने? सोलो डॉट टू पे अकाउंट बनाया था। अच्छा ये यहाँ पे ना वेबसाइट के ऊपर भी आपको नजर आ जाएगा solo.2। तो चलो ठीक आप है। गूगल पर जाकर solo.2 लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर अपना अकाउंट बना लो और उसके बाद अपने लिंक्स सारे ऐड कर लो। चलो सही है, ये भी ज्वाइन इजी कर है लिया सोनी वैसे। जैसा, थैंक यू सो मच। और भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आज कुड़ियो ज्वाइन कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर जाके ज्वाइन कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर अभी तो लेना। दो अच्छा अभी मेरा कोई एक तो अकाउंट बंद हो जाएगा, बाकी तो चलते रहेंगे। अभी तो आज आप लेट हो गए। दोहा थैंक यू सो मच। आज वाला मेकअप जो है मेरा वो थोड़ा हमने नेचुरल रखा था, ज्यादा रंग नहीं डाले, बिल्कुल सॉफ्ट सटल सा लुक है। फेस के ऊपर फाउंडेशन तो डेफिनेटली आपने लगाना होता है, आपने सॉफ्ट लुक भी करना हो फाउंडेशन तो आपका फिर भी लगता ही है। सिर्फ आईज को सॉफ्ट रखने से आपका काफी सारा फेस सॉफ्ट लगने लग जाता है नहीं क्या बात? मैं का वो एक तो वो भी है ना अकाउंट, रंबल रंबल, हाँ हाँ रंबल, हाँ उसमें भी रंबल पे भी मैंने और रैनी ने अपने अकाउंट बनाए हुए, तो आप लोग हमें रंबल पे भी फॉलो कर लेना। कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना हमने फेमस होने के लिए। जहां जहां मौका मिल रहा है वहां जहां हाथ मार लो। एक हाँ ना, हो सकता है कहीं एक हम फेमस हो ही जाएं भाई। तो हो ही जाएंगे किसी हाँ ने मैं तो इन जगह। सब से कह रही थी, मैंने कहा ये आप जो लोग मेरे लाइव सेशन में आते हो ना, मेरे से अभी अभी बातचीत कर लिया करो, मेरे लाइव सेशन अभी ज्वाइन कर लिया करो, मेरे इंटरव्यूज ले लो, सिग्नेचर्स ले लो, मेरा कोई पता नहीं मैं कब फेमस होके बदल जाऊं। ऑटोग्राफ ले लो सारे मेरे से। हाँ अभी मैं सबको दे दूंगी, इसके बाद नहीं दूंगी। मैं कोई अस्सलाम वालेकुम सना मोइन कैसे हो आप? उसके बाद हाँ मेरी नेचुरल पर्सनल लुक लाइफ, माय है। पर्सनल लाइफ। हाँ मैंने ना कोई एक दिन रखना है, उसमें जिस जिसने मेरे से ऑटोग्राफ लेना वो आ जाए। अंकरी मैं सही है। फेमस होने वाली हूँ, आप नहीं बताएंगे बहन मेरा कोई पता नहीं, मेरे से इतनी अच्छी उम्मीद है ना लगाओ। ये पता नहीं मुझे कौन मेरी एज पूछ रहा था, आपकी एज क्या? मेरी जान मैं एजलेस हूँ, मैं बढ़ती नहीं हूँ, एजलेस हूँ मैं। ठीक हूँ सना मोहिन, आप कैसे हो? पूछिए क्या करना है, मुझे समझ नहीं आती क्या उन्होंने क्या मेरे रिश्ते ढूंढने निकालना होंगे है या वो ये देखने होंगे किस उम्र में क्या कैसी लग रही है। आपने।
और फिर बता दो तो फिर कोई यकीन नहीं करता, फिर 10-12 पढ़ा देते हैं तो फिर भी जो आपका दिल करता है पहले से वही मान लो, फिर पूछ क्यों रहे हो? आप ज्यादा की हैं अपनी एज कम बताने में, चलो 80 का कह दो फिर। फिर भी कहेंगे नहीं 80 के नहीं 90 के लग रहे हैं, वो किसी किसी भी हाल में। मैं नहीं कह देती हूँ, मैंने एक बार बोला कि मैं 60 की हूँ, कहते हैं अच्छा 60 से तो बहुत यंग लग रही हो, हमारा मैं कहनी वेट बढ़ता है, एज नहीं बढ़ती। हमारा वेट बढ़ता है, हमारा पेट बढ़ता है, हमारी डबल चिन बढ़ती है। आई ग्लेंजिस का कलर, यार इसका कलर का ना नाम नहीं याद मेरी जान मुझे, लेकिन ये मल्टी कलर लैब के लेंजेस है। मेरी प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके जो ग्रे वाले लेंजेस का सेक्शन है ना उसमें जाएंगे तो उसमें आपको ऐसे वाले लेंजेस नजर आ जाएंगे। इसको गौर से देख लो, इसका स्क्रीन छोड़ ले लो, हाँ मैच कर लेना लेंजेस। फेस सब कुछ पे भी कर फैट आती है हमारी, हम फुली फैट हैं। मैं तो कभी कभी सोच रही हूँ अनम से हटा के अपना नाम फैट अर्शद रख लू, देते हैं। चलो अनम मैं अर्शद से चलती हटा के हूँ, फैट अर्शद रख लेती हूँ। मुझे अपने बेटे को बच्चों को पिक करना। जा रहे हो? हाँ हाँ मैं तो जा रही हूँ, आप ठीक है, आप जो मैंने तुम बेटा अपने ले बेटे को भेजा, मैंने कहा जाओ मेरी जान लेके आओ भाई को। चलो लो। हाँ नहीं मेरा मेरा कोई नहीं पिक करना, आज मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हैं। बस ठीक है, वो करो ठीक चलो है नी। ओके अल्लाह ओके हाफिज। कैसे क्या कर करते हैं। ऊपर कहीं होगा टुन्ना सा बटन। वालेकुम अच्छा सलाम पोएट्री। टेलीफोन नंबर तो नहीं आता, टेलीफोन नंबर नहीं आता, किसका नहीं आता? फाउंडेशन बताऊं मैंने वेटन वर्ल्ड की और मेबिलिन की यूज किए हुए। अला हाफिज तैयबा। ओ अच्छा तैयबा एनी को अला हाफिज कर रहे हो, मैंने कही चीज मुझे कर रहे हो। हमारा टाइम क्या है? हमारे ऑलमोस्ट 3:30 हो गया। मेरे भी पाँव पे नहीं आती फैट, फैट नहीं आती आपके? फैट का बड़ा मसला है, इतना हम खाते नहीं है जितना लग जाता है। बिलाल राजपूत थैंक यू। कौन स्क्रीन टैप कर रहा है? कौन इतना शहजादा जो अभी तक टैप कर रहा है? इतना मेकअप करके स्कूल नहीं जाते? मैं कौन सा पढ़ने जा रही हूँ? आई एम अ मदर, मैं मीटिंग पे जाऊंगी, बच्चों के स्कूल की वर्कशॉप पे जाऊंगी, खूबसूरत लगूंगी मैं अपने बच्चों के साथ जाती हुई। आप वेट लॉस का बताएं मेरी जान, जब मेरा होगा तो मैं आपको भी बता दूंगी, पहले मैं तो कर लूं। अगर आपको ऐड करना व्हाट्सएप पे, मुझे किसने ऐड करना व्हाट्सएप पे? मैंने तो अपना व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है कि मुझे फॉलो कर लो। मैं तो बहुत कम खाती फिर भी मोटी हो जाती हूँ, है ना? मैंने एक दिन खाने को सिर्फ देखा ही था तो मेरा 2 किलो बढ़ गया। हम तो देख भी नहीं सकते उसको दिल भर के। मैं कैनेडा से हूँ, मैंने अभी आपको फॉलो किया, थैंक यू यार। आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, आप में से जिसने नहीं किया हुआ। क्यूट लगना जरूरी है, सो योर फेस इज क्यूट। ये कौन है जो मेरी इतनी तारीफें कर रहा है? ईमान बतूल क्या हो गया मेरी जान, मेरे दिन थोड़े तो नहीं रह गए मेरी इतनी तारीफें हो रही है। मैं हुजैफा डोल खोला बेटा, मैक का यार मैंने मैक के को बहुत ज्यादा फाउंडेशन ट्राई नहीं किए हुए। आई एम फ्रॉम यूके। कैसे हो आप अर्चना, कैसे हो यार आप? पाक में कोई फिक्र नहीं होती कि वेट कम हो रहा है या ज्यादा? नहीं बहन, पाकिस्तान में भी बड़ा मसला शुरू हुआ है वेट का, ये बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी आना, हमने मम्मा इसलिए तो इतना अच्छा रेडी हुई है। कैसे मेरे टीचर ने आज आपकी मम्मा ने स्कूल में आना, तो मम्मा भी इसलिए रेडी हुई है। किसी से रूड बोलते नहीं देखा मेरी जान, कभी आना कभी अकेले में आना, हम रूड क्यों हो जाते होते? पाक में तो ज्यादा मसला होता है, हाँ पाकिस्तान में भी आजकल वही सीन चल रहा है, वेट लॉस वेट इश्यूज हर जगह ही चल रहे हैं यार, लोग बोल बोल के तंग कर देते हैं। हाँ मतलब कहीं पे भी कोई आपको छोड़ता नहीं, हम पाकिस्तान ही बाहर आकर एक दूसरे को भी कह रहे होते हैं, हम बोरे थोड़ी हमें कहेंगे कि तुम्हारा वेट गेन हो गया, बाहर आके भी हमें हमारे पाकिस्तानी कह रहे होते हैं लुक लाइक ऐश्वर्या। और मैं किस एंगल से मोटापे तो नहीं लग रही ऐश्वर्या की ना, ये आजकल जो रैम्बो की वीडियो चल रही थी उसमें उसका अच्छा खासा लाइक वेट गेन था, और वेट गेन से इशू नहीं होता, मुझे ना वो बड़ी पसंद होती थी पहले, ऐसा
ऐश्वर्या राय, इतनी प्यारी लगती थी मुझे वो। लेकिन पता नहीं कई बार क्या होता है कि आप ग्रेसफुली बूढ़े नहीं होना चाह रहे होते, आप में वो थोड़ी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि आपका जो एक टाइम था जिसमें आपको इतना फेम मिला, आप ले लो, आपकी ब्यूटी की इतनी तारीफ होती थी, आप एक आइडियल पर्सनैलिटी थे, तो फिर वो उनसे डाइजेस्ट नहीं होता ना कि हम क्यों ढल रहे हैं वो उस चक्कर में कि हम सदाबहार अब यंग रहे, सदाबहार हम ऐसे ही रहे, ऐसे ही प्यारे रहे। वो बोटोक्स, हाँ लोरियल के वर्क पे, वो बोटोक्स में फिलर्स में करवा करवा कर, मतलब उसकी तो अब वो अगर चुप रहती है ना तो वो फिर थोड़ी सी देखने के काबिल रहती है, लेकिन जब वो हंसती है ना तो बहुत अजीब लगने लग जाती है यार, टू बी ऑनेस्ट। मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू। वो हंस उस बेचारी से ना हंसा भी नहीं जा रहा प्रॉपर, क्या था अगर वो स्पेशली ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, ये लोग तो मोस्टली अपना अपने फिगर का ध्यान रखते हैं, हम जैसे लोग जो घरेलू खवातीन होती है हम लोग फिर थोड़े से इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम लोगों को बस जब डॉक्टर आकर कह दे भाई अगर 4 दिन जिंदा रहना तो उठ के एक्सरसाइज कर लो, अपने वेट का ख्याल रखो, तो हम तब हिलते हैं। लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इन्होंने क्योंकि मूवीज वगैरह में आना होता है, इनको तो अपने फिगर का ख्याल रखना होता है। मुझे नहीं पता कि ऐश्वर्या ने अपने फिगर का क्यों नहीं ख्याल रखा, कि वो इतना हेल्दी कैसे हो गई, बेटी भी उनकी एक है, या तो कहीं वो 4-5 बच्चे हैं उनके बाद ये हाल हो गया, बेटी भी उनकी एक है और उनके आसपास मलाइका अरोड़ा है, शिल्पा शेट्टी है, उनके वेट देखो कितने अच्छे हैं, ऐसे सलीम स्मार्ट, करिश्मा है, करीना का भी बीच में जैसे थोड़ा सा वेट गेन हो गया था ना, पता नहीं उसके बाद एक वेट काफी गेन हो गया और उसके बाद फिर सर्जरी इतनी करवा दी, तो वो तो सिर्फ जब तक चुप रहती है तब तक उसका फेस प्यारा लग रहा होता है, अदरवाइज पता नहीं उस बेचारी ने अपने आप को क्या कर लिया। इंटरनल इश्यूज भी, हाँ इंटरनल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कल मैंने काइली जेनर का कोई वीडियो देखा, उसकी ना एक गिट की कमर हुई हुई थी, लिटरली एक गिट की कमर थी, हिप्स इतने बड़े थे, कमर इतनी सी थी उसकी। अब नीचे ना काफी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, लगता है उसने अपनी रिब्स कटवा लिया, रिब्स कटवा लिया, तो काफी सारे लोग ये भी करते हैं ना अपनी कमर का पता करने के लिए, ये जो नीचे वाली साइड से 2-3 रिब्स होते हैं, 2 रिब्स होते हैं जितने भी, कटवा लेते हैं फिर, ताकि बाकी कमर वहां से श्रिंक होकर छोटी लग जाए। किसको खुश करना है यार, इन लोगों ने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं, पसलियां कटा कर आ गए। आप लोगों ने देखी काइली जेनर की न्यू लुक, आप इग्नोर करें मेरे को, नहीं शायद मैंने तो अभी देखा आप इधर ही हो, मुझे लगता था आप चले गए हो। ये सब बिना सोचे सर्जरी करवाते हैं, हाँ ना ऐसे ये सब लोग ऐसे करते हैं ना, वेट कैसे गेन गेन करूं, खाओ खाते रहो बस, खाते रहो, सोचो नहीं खाते रहो बस। फाउंडेशन बताएं कौन सा फाउंडेशन। बाबा मनीषा थैंक यू सो मच, मुझे ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई थी जो फिर से भूल गई मैं। लेंजेस का कलर यार मुझे याद नहीं है, मल्टी कलर लैब के लेंजेस है, मेरी प्रोफाइल में मैंने लिंक डाला, वहां से जाके चेक कर लेना। बीइंग जया बहू नॉट इजी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो। प्लीज मेरी बात का जवाब दें, सेंड कौन सी बात, हमसे ले लो वेट, हाँ ना, तो और सना भी अपना वेट जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम सऊदी हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके फेस के आगे कितनी लाइट जल रही है, 2। आई वांट टू कर्ल माय हेयर लाइक यू, लूज कर्ल्स सजेस्ट प्लीज। चलो मैं इन कर्ल्स की ना वीडियो बनाऊंगी कि मैंने ये वाले कैसे किए थे, फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा लूज कर्ल्स को। यार आपको फाउंडेशन ना ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हुए कोई भी फाउंडेशन ले लो, ऐसे ली हुई चीजें ना सूट नहीं करती हैं, तो आपको पहले चेक करना होता है कि आपकी स्किन कैसी है, आपका कलर कैसा है, आपका अंडरटोन कैसा है, उसके बाद जाकर कोई फाउंडेशन आप पे सूट करता है। अब मैं ऐसे आपको क्या बताऊँ कौन सा फाउंडेशन हो, इतने सारे तो ब्रांड्स, और मोस्टली काफी सारे ब्रांड्स के फाउंडेशन अच्छे हैं। अगर कोई ब्रांड ऐसा है जिसका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, काफी सारे लोगों को वो सूट भी करेगा। ब्रशेज एमेजोन से MSU के ब्रशेज ले सकते हो, या फिर मेरी प्रोफाइल में मैंने DU Care के ब्रशेज का लिंक डाला हुआ है, उससे मेरा 20% डिस्काउंट भी है, या फिर आप वो ले सकते हो। जैसे ब्लड डोनेशन होता है फैट ये भी है, वैसे आपका फेस ऑरेंज हो गया है लाइट की वजह से, कभी लाइट थोड़ा सा चेंज हो जाए ना उसके साथ, ऐसे कभी व्हाइट लगने लग जाता है, कभी ऑरेंज लगने लग जाता है, पता नहीं हो जाएगा खुद ही, खुद ही ब्राइट सी लाइट पड़ेगी फिर वापस ठीक हो जाएगा।
MSQ प्लीज, उसकी बातें बहुत पसंद है यूसुफ की। पता नहीं बच्चे एक साल लाइफ में आए ना तो वो बैन भी होता था, होता ना लाइफ, लोग वैसे अपने बच्चे लेकर बैठे के होते हैं। फिल्टर लगा है? नहीं मेरा फिल्टर तो नहीं लगा हुआ, फिल्टर भी लगा हो तो पता चल ही जाते हैं। देखो मेरी आंखों के नीचे के रिंकल तक नजर आ रहे हैं, और अब फिल्टर लगा होगा तो कैसे होगा। एक फाउंडेशन लगा हुआ है बस, यहाँ ये उतार लो। यूसुफ को अच्छा लगती हूँ। कोई अच्छी सी आई क्रीम या सीरम बता दें फॉर डार्क सर्कल। डार्क सर्कल के लिए, ये डार्क सर्कल ना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, पानी की कमी है, इंटरनली आप उतने ज्यादा फिट नहीं हो, तो डार्क सर्कल ना क्रीमों से नहीं जाते हैं। पहले इंटरनली आपको अच्छा होना पड़ता है, फिर एक्सटर्नली आप कुछ यूज करो तो आपके डार्क सर्कल अच्छे होंगे। अब मैं से आपको कोई क्रीम बता दूं आप यूज करोगे, पता नहीं आपके डार्क सर्कल की क्या रीजन है, क्रीम से ना फर्क पड़ा फिर। बेनीपाल, हाँ थैंक यू। यूसुफ अभी स्कूल से बाहर है। यूसुफ बात सुनो बेटा, सेन आप इग्नोर क्या, वो कोई आंटी कह रही है मैंने यूसुफ देखना है। ओके ऐसे अस्सलाम वालेकुम कह अस्सलाम दो। पूछो कैसे हैं आप, पूछ लो ना। वालेकुम। थोड़ी सी तो और बात कर लेते यूसुफ, शर्म आ गई उसको। आपका बच्चा शरारती है? कौन सा बच्चा शरारती है? चला गया यूसुफ, कह रहे मैं जाके यूट्यूब देखने लगा हूँ, बहुत मसरूफ बंदा भाई। स्कूल स्कूल भी बेचारे बड़े मुश्किल से टाइम गुजारते हैं मोबाइल के बगैर, वापस आके फिर से मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। आपका बेटा भी ऐसा ही दिखता है फिजी हेयर के लिए। यार मेरे से ना प्रोडक्ट्स का ना पूछो इतना ज्यादा, थक गई हूँ मैं बोल बोल के प्रोडक्ट्स का बता बता के। गप्पे मारनी है किसी ने वो बताओ, थोड़ी देर गप्पे मारो फिर मैं जाऊँ बच्चों को खाना खिलाना है। नो तो नहीं देखा, नो तो नहीं देखा क्या? अरे आपका बेटा भी ऐसे है, आपका बेटा वीक है? हाँ तो जब खाएंगे नहीं तो वीक ही होंगे। मैं इनको कहती हूँ तुम लोगों की वजह से ना मैं बदनाम हूँ, लोग कहते हैं लगता है मम्मा ना बच्चों को खाना नहीं देती है। खा लिया करो, मैंने कहा कुछ नखरे करते रहते हैं लेकर बैठ के खाने को, झूठ हो जाए, कहते हैं ना ही खाना पड़े। मैंने कहा यूसा कोई अच्छी चीज भी खा लिया करो, कहते मैं अच्छी चीजें नहीं खाता, मुझे सिर्फ गंदी चीजें पसंद है। ये साइड लिव इन कैनेडा, उनके हिस्से का हम खाते हैं, उनके हिस्से का नहीं हम खाते हैं, उनका छोड़ा हुआ हम खाते हैं, इनको दे दो ये छोड़ देते हैं। फेंकने की वजह से फिर मैं खा लेती हूँ, यार चलो गार्बेज में फेंकना, खाना वेस्ट होगा मैं ही खा लेती हूँ, वो सारा खाना मेरे अंदर स्टोर है। फातु शिव थैंक यू सो मच। तो ये बड़ा मसला रहता है, इसलिए बच्चों से कहती हूँ जब आपका खाना होता है ना वो खुद ही खत्म कर लिया करो, मैं इतना अपने हिस्से का नहीं खाती जितना मैं बचा हुआ खा खा के मोटी हो गई हूँ। कौन सा वाला बेटा ज्यादा पसंद है? कौन सा वाला बेटा ज्यादा पसंद है बच्चों को? बच्चे तो वैसे जाहिर मेरे ही हैं, पसंद तो मुझे तीनों ही है, लेकिन जो मेरा बड़ा वाला बेटा ना वो जरा जल्दी सुन लेता है, मुझे जल्दी लिसन कर लेता है, क्या ना मान लेता जल्दी। जो दरमियान वाला बेटा है ना वो नाक की लकीरें निकलवाता है। ये छोटा वाला तो जरा भी बहुत छोटा है, अभी तक बोल नहीं रहा, कोई टिप बताएं। 4 साल का बेटा आपका बोल नहीं रहा, डॉक्टर को चेक करवाया क्यों नहीं बोल रहा? क्लियर नहीं बोल रहा या जुमले नहीं बोल रहा? हाउ डू वी एक्सेस वर्कशॉप? वर्कशॉप जो है ना वो पेड है, $100 चार्जेस है 3 आवर की क्लास के, और यहाँ मिसिस आगा में होती हूँ मैं कैनेडा में। अगर आप यहाँ कहीं है और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट बेटी होगी, ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ मैं मेकअप की, लेकिन ऑनलाइन एक क्लास नहीं देती हूँ मैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं, 13 क्लासेस होते हैं, वो फुल सेशन होते हैं। अगर आपको वो भी ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। आई थिंक यू डोंट वॉन्ट, एग्जैक्टली आई एम डन। बालों का क्या राज है? ब्लो ड्राई। मेरे हसीन घुंघराले और लंबे बालों का राज है ब्लो ड्राई। आई मानो कैसे हो आप? अटेंड क्लास बट आई न्यू रख।
हाँ मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, वो जाहिर है थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस होती हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो इन पर वो वन ऑन वन क्लास होती है, वो ग्रुप क्लास नहीं होती। आप में से किसी को भी अगर मेकअप की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या इन पर्सन क्लासेस लेनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और ये वाली जो अभी क्लास है अक्टूबर वाली, ये तो सिर्फ मैंने वन डे की क्लास रखनी है। मैं ट्राई करना चाह रही हूँ कि मैं अगर कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करके क्लास करूँ तो मेरा वो एक्सपीरियंस कैसे रहता है। अगर वो अच्छा रहा तो फिर मैं डेफिनेटली वन मंथ में कोई एक क्लास ऐसे रख लिया करूंगी, लेकिन अगर वो मेरी क्लासेस ना हुई या किसी रीजन से कैंसिल हो गई तो फिर भी क्या किया जा सकता है। बट आई विश के मुझे कुछ लोग क्लास में ज्वाइन करें। व्हेन इज इन पेट्स क्लास? पेट्स क्लास क्या इन पर्सन क्लास क्या ना कह रहे हो? हया को देखा हुआ है, वो भी मेकअप करती है। हया को हाँ देखा हुआ है, शी सो रूड। कौन रूड है? मैं कब रूड हुई यार? मैं इतनी अच्छी तो इतनी क्यूट हूं मैं। आपके बच्चे कनाडा के बोर्न है? मेरा एक बच्चा कनाडा का है, दो पाकिस्तान के हैं। इन पर्सन क्लासेस वो तो मेरे घर पे होती है ना, ये जहां मैं बैठी हूँ साथ में कुर्सी रखी हुई है, और जो आएगा उसको वो मिटाऊंगी। दीज फाइन लाइन्स अंडर आई इज नॉर्मल आफ्टर मेकअप। हाँ ये देखो ना, ये देखो मेरी भी है, ये जो लाइन्स है ना ये मेरे स्किन के रिंकल्स हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये इधर ही रहेंगे। देखो अभी अभी भी मेकअप के साथ है तो इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। मेकअप की क्लास कब है? मेकअप की क्लास जो अक्टूबर में है ना, वो तो 14 अक्टूबर को है। और उसके अलावा अगर आपको कोई सेशन बुक करवाना है ना, तो सेशन के डिफरेंट चार्जेस हैं, और उसमें 13 क्लासेस होती है, 1 आवर की क्लास होती है, और वो वन ऑन वन क्लास होती है, उसमें कोई और ऐड नहीं होता। क्लास में मैं होंगी और जो स्टूडेंट है वो, फिर मैं उस एक ही बंदे को उसकी स्किन के अकॉर्डिंग, उसकी फेस के अकॉर्डिंग चीजें कैसे अप्लाई होनी है वो बताती हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 14 अक्टूबर का टाइम 1 o'clock से लेकर 4 o'clock तक है, और यहाँ मिसिस आगा में होगी वो क्लास। आप में से कोई भी वो क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो उसके $100 चार्जेस हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या टिकटॉक पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर दें कि कोई अगर मेकअप सीखने के लिए, कोई अगर ये चाहता है कि यार मुझे कोई एक क्लास मिल जाए जिसमें मुझे ऐसे थोड़ी बहुत गिनी चुनी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आ रही वो आ जाए, तो उन लोगों के लिए ये क्लास जो है ना बहुत बेनिफिशियल है। वो आएंगे, उनको बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा, और उसके बाद जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी मुश्किल रहती है कि हम सेशन नहीं अटेंड कर सकते, डेली क्लासेस नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए भी वन डे वाली क्लास बहुत अच्छी रहेगी। अगर उनको ये वन डे वाली क्लास अच्छी लगी तो फिर कभी मैं अगर दोबारा रखूंगी वो अगेन भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई न्यू लुक के लिए। फिलहाल तो मेरा भी अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा ऐसे बाहर कहीं, क्योंकि मैं भी रेंट पे लूंगी ना स्पेस, घर पे जरा स्पेस कम पड़ जाती है, बाहर जरा थोड़ी सी आप रेंट पे स्पेस ले लो तो अच्छी मिल जाती है। पाकिस्तान यार अभी कोई पता नहीं कब आएंगे। मैं कनाडा में हूँ मिसिसागा में, और आई ट्राई माई बेस्ट के जो लोग भी क्लासेस ज्वाइन करें वो अपनी अपनी किट भी साथ लेकर आए, मेकअप की किट, ताकि उनके मेकअप में, उनकी किट में किसी स्किन केयर की चेंजिंग करनी है या किसी प्रोडक्ट की चेंजिंग करनी है तो मैं उसमें उनकी हेल्प कर सकूँ। एक दफा उनकी चीजें अच्छे से सेट हो जाए, बन जाए, उसके बाद उनको अपना मेकअप करने में आसानी हो जाएगी। टोंग टाई ऑल्सो क्यूट एंजल ने बताया उनका बेटे का क्यों नहीं बोल रहा वो, डॉक्टर क्या कहते हैं। यूसुफ का भी थोड़ा सा ऐसा इशू था ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि यूसुफ बोल नहीं रहा था, यूसुफ बस क्लियर नहीं बोल रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने उसकी कुछ स्पीच थेरेपी करवाई, प्राइवेट स्पीच थेरेपी, और उसके बाद फिर हमने स्कूल से कॉन्टेक्ट किया। अब स्कूल से हमें थोड़ा थेरेपीज मिलेंगी। थोड़ा कॉम कर लो, चलो जी हम कर लेते हैं थोड़ा कॉम। मुझे भी ये क्लास ज्वाइन करनी है बट आई एम इन जर्मनी। चलो अगर आप लोगों के यहाँ कनाडा में कोई जानने वाले हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ लाजमी शेयर करना, क्योंकि ये लाइव सेशन में भी जैसे काफी सारी चीजों के आंसर नहीं दिए जाते ना, तो जो लोग कहीं आसपास के रहने वाले हैं यहाँ GTA में वो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं क्लास।
लेंजेस का ना कलर याद नहीं है मुझे उनके कौन सा पहना हुआ है। ग्रे टोन के कोई लेंजेस थे, उसमें से मैंने ये चूज किया था। मेरी प्रोफाइल में ना लेंजेस का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके वो आप ढूंढ लेंगे वाला कलर। ऑयल में रोजमेरी ऑयल, अनियन ऑयल, रोजिप ऑयल, विटामिन ई ऑयल, होबा ऑयल, ग्लेजरीन, कैस्टर ऑयल, इन सब को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके बालों में। ब्रश से पहले थोड़े से वो थे ना जरा टेक्सचर्ड, ब्रश के बाद जरा ज्यादा फ्लैट हो गया। कटिंग अच्छी है ना? हाँ कटिंग अच्छी है, और मैं सोच रही हूँ जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर कटवा लूंगी। मैं आपसे मिलने आऊंगी, कब, कहाँ, कैसे और क्यों? कब, कहाँ, कैसे और क्यों, वो भी बताना। दुबई से आपने कनाडा के क्या करना, मुझे वीजा पे, मैं दुबई का चक्कर लगा लेती हूँ। मेरा मैसेज भी पढ़े, सेंड बताओ, पढ़ लिया आपका मैसेज। सेटिंग्स पर आप मैक का यूज कर सकते हो, आप टू फेस का यूज कर सकते हो, आप रेवोल्यूशन का यूज कर सकते हो, आप मिलानी का यूज कर सकते हो। जेनेट, व्हाई आर यू लाफिंग जेनेट, कैन यू प्लीज सेंड मी वीजा जेनेट। मैं आगे लाइव सेशन दोबारा देखती हूँ यूट्यूब पर जाकर। गुड जॉब मेरे बच्चे, गुड जॉब। दुबई चक्कर लगा रहे हैं? हाँ ले लगाऊंगी ना, मेरा तो बड़े दिल करता है दुबई आने का। मैं कहती हूँ कोई मुझे वीजा भेजे, मैं तो सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी घूमने के लिए, आउटिंग करने के लिए। एक दिन ना मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही, तो मेरा बेटा मेरे साथ था, वो कहता है आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बाबा ना मुझे कहीं ड्रॉप करने जा रहे हैं। कहाँ ड्रॉप करने? मैंने कहा वो बाय चांस ना मेरा दुबई जाने का प्लान बन गया था, तो इसी वजह से। वो ना फौरन से पीछे ट्रंक देख रहा, बैग तो कहता है इसमें नहीं है। मैंने कहा लगेज तो बाबा ने पहले भेज दिया था ना, कहते कहाँ भेज दिया था आपका लगेज? मैंने कहा बाबा ना पहले जाकर दे आए थे, तो अभी सिर्फ मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू के, सच्ची बच्ची मम्मा ने हमें छोड़ के दुबई जा रही है। मैंने कहा क्या बात है बेटे, आउटिंग के लिए जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर वापिस आ जाऊंगी। आपको ड्राइव आती है? हाँ, ऐसी आती है ड्राइव, ऐसी ड्राइव आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। शाह साहब अभी तक किधर ही हो? शाह साहब सोती कब हो? शाह साहब नींद नहीं आती? हाँ दुबई इज एक्सपेंसिव बट ब्यूटीफुल, या आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू सी। कॉन्टेक्ट लेंसेज, ये मल्टी कलर लैब के लेंसेज हैं। मेरी प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ है मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज का भी, ब्रशेस के सेट का भी। इन दोनों पे मेरा डिस्काउंट कोड है, और उधर मेरा यूट्यूब का लिंक भी है, मेरे इंस्टाग्राम का भी है, मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ का लिंक डाला है मैंने। उधर थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा इस टाइम काम कर रहे हो यार, आप लोगों की तो रात हो रही होगी ना। वेरी नाइस मेकअप, कोई बात नहीं। लाइव सेशन ना, ये मेरे जो लास्ट टाइम भी दो लाइव सेशन हुए थे, वो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। देखो आई शेडो तो मैंने कोई खास चीज नहीं लगाई हुई, लेकिन वो थोड़ा न्यूट्रल सा नेचुरल सा लग रहा है ना, तो आईज कितनी फ्रेश और खुली खुली लग रही है। यहाँ पे जो हाइलाइटर लगाया हुआ है वो कितना प्रोमिनेंट हो रहा है आईज के ऊपर। सिर्फ मैंने एक ही सिंगल सा वो हल्का सा वो जो ब्राउन सा शेड था वो लगाया हुआ है बस, दिस जेब से। मगर वो दुबई में होती है शाइस्ता। मेरे हस्बैंड मुझे किस नाम से बुलाते हैं? मेरे नाम से। जो मेरा नाम है मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। जन्नत आप भी दुबई में हो? ओ हाँ जन्नत भी दुबई में, शाइस्ता भी दुबई में ही है। एनी के आई शेड क्यों नहीं अच्छे लग रहे थे कल? वो शायद एनी के ना आई शेड अच्छे लग रहे थे, हम दोनों के वो कंबाइंड थे ना, तो शायद स्क्रीन छोटी होने की वजह से आप लोगों को वो क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। एनी का भी कल नेचुरल मेकअप था, अच्छा लग रहा था। वो भी जब फुल स्क्रीन होती है ना फिर अच्छे से नजर आता है। मेरा भी जब लाइव में थी तो शायद आप लोगों को मेरा भी इतना क्लियर से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा भी अच्छा लग रहा था। नहीं हमारी लव मैरिज नहीं है।
नाइस मेकअप साइमा, थैंक यू। चलो यार मैं चलती हूँ अब, जाकर बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर इनका स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर हमने स्कूल में वर्कशॉप अटेंड करने जाना है आपका। और जब से एनी भी थी, ओ अच्छा ठीक है शाइस्ता, मुझे भी सिखा दो प्लीज मेकअप की ना। मैं क्लासेस देती हूँ सीखने, तो आज क्लासेस ले लो, और मैं कैसे सिखाऊं। मैं जिम जा नहीं सकी, मैं सुबह ना थोड़ा बिजी थी, खाना वाना बना रही थी, हस्बैंड को कहीं मीटिंग के लिए जाना था तो उन्होंने खाना खाना था, मैंने कहा था अच्छा मैं बना दूँ, खाना खाकर चले जाएंगे वो। उसके बाद फिर मैं काम वाम करने लग गई, फिर कुछ अपनी वीडियोज एडिट करनी थी वो करने लगी, फिर मैं लाइव आ गई, और शाम को जाऊंगी जिम इनको लेकर आके ना इनकी मीटिंग से, ओपन हाउस से लेकर आके वापस। चलो जब ये वाला मेकअप लेके मैंने स्कूल जाना है, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूंगी, ये टू फेस का स्प्रे कर रही हूँ मैं। और कोई भी आप स्प्रे यूज करें ना, सेटिंग स्प्रे, उसको जरा शेक कर लिया करें, ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जरा अच्छे से एक्टिव हो जाए। देखो इसके अंदर से आपको आवाज आएगी, आवाज आ रही है ना। इन्होंने इसके अंदर ना मोस्टली स्प्रे के अंदर छोटी सी बॉल डाली हुई होती है, जब आप उसको शेक करते हैं ना, वो बॉल फिर मूव होके ना सारा आपका जो लिक्विड होता है उसको अच्छे से मिक्स कर देती है ना। वो लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसका मतलब है आपका ये प्रोडक्ट एक्टिवेट हो गया। फिर आप इसको यूज करें, ये फिर आपके फेस के ऊपर स्टे करेगा। आगे यानी आप, यानी आप आगे, मैं जा रही थी, मैं खुदाफिस कर रही थी, मैंने कहा स्प्रे करके ना खुदाफिस करूं, बच्चों को कुछ खिलाऊं पिलाऊं, फिर हमने जाना है ना उनका ओपन हाउस पे। खाना खाने में भी तो इतना टाइम लगाते हैं बच्चे। एम्बर थैंक यू सो मच, आपने कहा देखो ना चलेगी कि नहीं, मैं इधर ही बैठी मैं गई नहीं अभी तक, लेकिन मैं अब मैं सच्ची मुच्ची जाने वाली थी, और मैं सोच रही एनी आ गई है, मैं देखो एनी ने अगर रुकना तो मैं भी रुक जाऊं, वरना मैं चली जाऊं। हमारे सिटी में यार 4 o'clock हो रहे हैं, 4 o'clock। वालेकुम सलाम यूजर, मैं वेट क्यों नहीं लूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, वेट लूज करने के बाद आपको इतनी खूबसूरत नहीं लगूंगी, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का मुझमें इंटरेस्ट लूज हो, मैं चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं ऐसे ही हूँ। मैंने अब आपके कंधे पर रख के बंदूक चलानी है। स्पेन से आपके ढेर सारा प्यार, शीजा थैंक यू सो मच। मेरा सूट आपको अच्छा लग रहा है, सच्ची बताओ, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर है। इसका दुपट्टा भी अच्छा था, ब्लैक और ऑरेंज सा, जैसे भी हो तो चाहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज दोहा। वीडियो वीडियो बनाई है मैंने, मेकअप लिस्ट की कल पोस्ट की थी मैंने, आपने देखी नहीं है, देखो मेरी प्रोफाइल में जाकर। ड्राई स्किन वाली वीडियो लिस्ट की वीडियो बनाई है मैंने कल, ड्राई स्किन की मेकअप लिस्ट की वीडियो बनाई है मैंने कल, ऑयली स्किन वाली भी मैं बनाऊंगी। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए अच्छे हैं, ये वो है जो कुछ मैंने आपको रेकमेंड किया था, वैसे वैरायटी में तो बहुत सारा कुछ होता है। मेकअप करने के बाद सर्कल बनते हैं, इतनी सारी डिटेल्स बताने की मेरे में हिम्मत नहीं है, 2 घंटे हो गए मुझे लाइव आकर बैठ के बोलते हुए। फिल्टर रिमूव करके दिखाएं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगी फिल्टर नहीं लगा हुआ, या आपको मेरे होंठों के पड़खचे नजर नहीं आ रहे, अगर फिल्टर लगा होता ना मेरे होंठ आपको ऐसे स्मूथ नजर आ रहे थे, मेरे आपको आपको मेरी आंखों के नीचे पड़ी हुई लाइनें नजर नहीं आ रही है, बिना फिल्टर के आती है, फिल्टर के साथ ये लाइनें नजर नहीं आती है, समझ आई कि नहीं आई, है ना। फिल्टर रिमूव कर लो बस यार, अब हम हैं खूबसूरत तो हैं, अब क्या करें। कई लोगों को लगता है ये खूबसूरत लोग सिर्फ फिल्टर के साथ ही होते हैं, भाई हम पैदाइशी खूबसूरत है। जब मैं पैदा हुई थी डॉक्टर ने आके कहा था बाजी मुबारक हो आपके घर खूबसूरती हुई है। हाँ लेकिन उनको लग रहा है शायद मेरा मेकअप उनको स्मूथ लग रहा होगा ना, तो उनको इसीलिए लग रहा है कि मैंने फिल्टर लगाया, नहीं लगा हुआ फिल्टर, यकीन करो मेरा यकीन। लेकिन मेरे लिप्स थोड़े वैसे मुझे लग रहा है भाई ड्राई हो रहे हैं, थोड़े से ना मैं इसको ग्लोस ग्लोस लगा लूं। ये मेरे पास ना ये भी आया था लंदन लोटे का ग्लोस, ये लगाते हूँ।
मैं यूएसए में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ। ये शिमर लिप ग्लॉस है लोटे लंदन का। आई एम गोना ट्राई दिस। हाँ इप्सी आ गया, नहीं मेरा आपका आ गया, मेरा कल आया था, कल रात को इप्सी का, और उसके बाद इप्सी का पुष्पिंदर थैंक यू, उसके बाद ना इप्सी का ईमेल भी आया था अर्थ हार्बर के प्रोडक्ट्स के बारे में ना, आपको आया था। कहते अर्थ हार्बर के प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसको वीडियो में नहीं लेना। चले जी मैं थोड़ा सा अपने लिप्स को ग्लोसी कर लूँ ताकि और भी लोगों को लगे कि मैंने फिल्टर लगाया हुआ, मेरे पड़कते छुप जाएंगे। नहीं आपको नहीं ईमेल आई? ओह थैंक यू, मेरी कटिंग आपको अच्छी लगी है, लियो। हाँ नहीं मैं आपको आपको मैसेज करके बताऊंगी। और आज थैंक यू, रीड किए डल कर दी। शाबाश है, नहीं चक्कर रखो कम, बिना रीड किए डिलीट कर दी। मैं बिना रीड किए हुए डिलीट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ एक बार खोल के, काम की है तो रख ली वरना वरना डिलीट कर दी। पुष्पिंदर थैंक यू यार, आप पीके खेलते हो? पीके पीके मैच? नहीं बहन, हमारे साथ कोई पीके मैच नहीं खेलता। वो पेमेंट अपडेट की थी, नहीं ये वाली जो ईमेल थी ना वो अर्थ हार्बर के प्रोडक्ट्स के लिए थी, कि वो उनके जो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बस कुछ थी ईमेल, मुझे भूल गई है। उनकी स्किन केयर, उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, कुछ ऐसा कहीं था। अब मेरे लिप्स अच्छे लग रहे हैं? अभी ज्यादा ड्राई नहीं लग रहे ना, वरना पैची हो रहे थे। एवरी मंथ आती है? अच्छा नहीं मुझे नहीं आती, मुझे वो आती होती है कि आपने अगर रीसाइन अप करना है, सब्सक्रिप्शन वापस लेनी है तो। बस मैंने लिप्स के ऊपर लगाया लेकिन आंखों के नीचे तक लाइनें अभी भी हैं, अब हम इन लाइनों का कुछ नहीं कर सकते। इन लाइनों का हम कुछ नहीं कर सकते। कैन यू प्लीज पॉज दैट लाइव ऑन यूट्यूब? हाँ जी, मेरे ये वाला लाइव भी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी, इससे पहले भी मैंने जो लाइव दो किए थे ना मैं डेफिनेटली वो वाले भी पोस्ट करूंगी। उसमें एक में हमने स्मोकी मेकअप किया था और एक में कट क्रीज मेकअप किया हुआ था, एक में ग्रीन मेकअप किया था, आई थिंक कुछ ऐसा ही था स्मोकी वाला जो था, मैं वो पोस्ट करूंगी। आप लोग प्लीज लाजमी जाके देखिएगा। और आप लोगों में से जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ ना प्लीज कर लीजिएगा, मेरे अभी तक इंस्टाग्राम पर 14K फॉलोवर नहीं हुए। कितना टाइम लगता है 14K फॉलोवर बनाने में, देखो जरा किसी ने और फॉलो किया कि नहीं। मैरी सलोन, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ कि नहीं? लेट मी चेक। हाँ अभी तक 14K नहीं हुए, अभी तक मेरा यहाँ पर 13.9 है। ओ ओ कहाँ चला गया 13.9। ये देखो, आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लो जरा, ये 13.9 के साथ 14 हो जाएगा। हाँ ये भी यानी आपका बॉक्स आ गया, बॉक्स पहले डिलीवर हो जाएगा ना शायद, उसके बाद ईमेल आ जाए। हाँ मुझे उनकी ईमेल आई थी मुझे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आया हुआ था वो। वैसे तो ये भी होता है ना कि वो जरा चेंज कर करके भेजते हैं, तो पता नहीं किसमें कौन सा प्रोडक्ट डाल रहे हैं। बॉक्स मेल जाकर चेक करती हूँ। अच्छा ठीक है। आप नूरी और ईशल को जानते हो? हाँ जानती हूँ। हाय सीमा, कैसे हो आप? हाँ जाओ जाकर चेक कर, क्यों बताना मुझे फिर आपको क्या आया है, अर्थ हार्बर के कोई प्रोडक्ट आपको आया है या नहीं। मैं तो आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। कौन हो आप? क्लाउड क्लाउड स्ट्राइफ? कौन हो आप?
कोई स्टूडेंट वाला नाम रखना था ना, अब ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कौन। जल्दी से नाम बताओ, मुझे अपना स्टूडेंट देख के बहुत खुशी होगी। प्रीति, प्रीति नाम की मेरी दो तीन स्टूडेंट थी। कहाँ पर होता है? यूके में हो? यूके वाले प्रीति हो? वो भी कनाडा से है। आयशा खान कौन? योर मेकअप इज अमेजिंग, थैंक यू मेरी जान। यूएसए से हो? ओ ओके। फिर आप अपने मेकअप की प्रैक्टिस कर रहे हो कि छोड़ वोड़ दिया करके बस? यस आई डू हैव किड्स, माही आई हैव 3 किड्स। मेकअप तो जब तक आप वो करते रहो ना प्रैक्टिस, तब तक वो नीट होता रहता है, लेकिन अगर छोड़ दो तो जितना सीखा होता है, जितना प्रैक्टिस किया होता है, वो सब भूलने लग जाता है। जब आप नीचे देखती हैं आईज बहुत प्यारी लगती है। सईदा कोई मैम नीचे देखो, अब मैं नीचे देख के बात करूंगी ताकि आपको मेरी आईज प्यारी लगती रहे। मेरे आईज के ऊपर तो हल्का हल्का सा मेकअप अच्छा लग रहा है ना। बस क्लाउड स्ट्राइफ आप प्रैक्टिस करते रहो मेरी जान मेकअप को। वालेकुम अस्सलाम मोमो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार। मोमो आपका नाम क्या है? आपका नाम मोमो तो नहीं है ना? अब तो हाथ थक गया, टिक गया। अच्छी बात है अगर टिक गया तो। आपका नाम मूना ही है? नाम ही मूना है कि नाम कुछ और है, मतलब जो ओरिजिनल नेम होता है मूना ही है? लाइट मेकअप इज गुड। हाँ लाइट मेकअप से जरा फेस फ्रेश लगता है, लेकिन डेली डेली मैं अगर ये सेम मेकअप, ये लाइट है ना, डेली डेली लाइट करूंगी तो शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, बोर बोर लगेगा कि सेम मेकअप डेली। इससे ज्यादा मैं लाइट को क्या कर सकती हूँ ना। मैं आती थी ना आपकी लाइफ में? हाँ नहीं मुझे वो तो आप याद हो ना, लेकिन मैं ना वो पूछ रही हूँ आपका ओरिजिनल नेम। क्या आपका ओरिजिनल नेम क्या है? मेरा तो ओरिजिनल नेम अनम है ना, तो मैंने अनम के नाम से आईडी बनाई हुई है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मूना है वो आपका ओरिजिनल नेम ही है या आपने वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में मूना रखा हुआ है, मैं ये पूछ रही थी। मिस कर दिया आज का लाइफ, बाद में देख लेना। मैं मूना है? ओ अच्छा हाँ ठीक है, ये कह रही थी मैं मूना है। और मैं ना मेकअप का बता रही थी, हाँ वो शॉर्ट फॉर्म में मूना कह देते हैं ना, कि इस वजह से मैं कभी कभी जैसे मिक्स कलर करके कुछ डिफरेंट कलर लुक्स कर लेती होती हूँ। उसके बाद जब आप ऐसा लाइट मेकअप करो तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ 2-3 दिन डार्क मेकअप देखे, अब लाइट देखा, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन डेली डेली आप सेम ये लाइट मेकअप देखोगे तो फिर कुछ चेंज नहीं लगेगा ना। चेंज तभी आता है जब कलर्स होते हैं। आज मैंने अच्छा मेकअप किया, थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस के चार्जेस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना यार। इंस्टाग्राम मेरा इसी नाम से है, रिव्यूज बाय अनम के नाम से। जो मेरा टिकटॉक का आइडिया ना, इसी नेम से इंस्टाग्राम है। आप में से किसी को भी अगर मेकअप की ऑनलाइन क्लासेस या इन पर्सन क्लासेस लेनी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। रिव्यूज बाय अनम जो टिकटॉक का आइडिया ना, सेम यही इंस्टा का आइडिया है। मेरी प्रोफाइल में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। हमेशा आउटस्टैंडिंग मेकअप करते हो मोना, थैंक यू सो मच। आज मेरी जान आपको भी कर दूं, आपको भी अच्छा सा मेकअप करूं मैं। मैंने आपकी कटिंग देखी थी, आप कह रहे थे ना कि आपने भी बाल छोटे करवाए थे, मैंने पता नहीं कोई किसी वीडियो में देखी थी उसको मैंने उसमें कमेंट भी किया था, मैंने कुछ याद नहीं क्या क्या था। ग्लैम ब्यूटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ ना काश ऐसा होता, कुछ कुछ जो अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको टिकटॉक से वो दूर ही होते हैं, वो पास में नहीं होते हैं। थैंक यू सोबिया, लाइक किया था, कमेंट भी किया था। हाँ मुझे कोई कटिंग वाली वीडियो याद है, मैंने उसमें आपकी कटिंग देखी थी, वो अच्छी भी लग रही थी, सूट भी कर रही थी आप पे। आई लैशेज नहीं लगती? ओहो ऐसा करो, मेरे प्रोफाइल में मैंने आई लैशेज की एक वीडियो पिन की हुई है, एक दफा वो देखकर उसको देखकर कॉपी करके लगा कर देखो। प्रीति ट्राई करना, आई लैशेज का कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये आपके आई लैशेज है, इसके ऊपर आपने ग्लू लगा देना, ग्लू लगाकर आपने इसको छोड़ देना। मैं भी हेयर DIY करवाया था, यकीन करे खुद को अजीब लग रहा था, लेकिन सब हाँ वो अच्छा ही होता ना, खुद को ऐसे लग रहा होता यार पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं, दूसरे बताए तो पता लगता है। अभी तो मैं बस यही कर रही हूँ, उसके बाद बच्चों के स्कूल में ना ओपन हाउस है, मुझे वहां जाना है। शाम में मैं देखूंगी अगर मैं फ्री हो गई तो मैं वापस लाइव आ जाऊंगी मेकअप करने के लिए। हेयर डाई किया था मैंने भी, सिर्फ एक ही बार हेयर डाई किया था अपने भाई की शादी पे, दोबारा नहीं किया मैंने भी। थैंक यू सिम। चले जी मैं आई लैशेज का बता रही थी कि ऐसे आपने आई लैशेज पकड़ ली, इसको ग्लू लगा के रख देना है। जब ग्लू लगा दो तो ये जो वैंड होता है ना ये सारा व्हाइट हो जाता है ग्लू के साथ, फिर आपने इसको छोड़ देना है।
आपने तब तक वेट करना है जब तक वो जो व्हाइट ग्लू लगाया हुआ है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। अगर वो अभी भी व्हाइट नजर आ रहा है इसका मतलब है वो गीला है, गीले को नहीं छेड़ना। आपसे लर्न किया हुआ अप्लाई आई लैशेज, थैंक्स टू यू, और थैंक यू सो मच। ये मैं ना क्लासेस में जैसे सिखा रही होती हूँ ना, तो वो इतनी जल्दी मतलब समझ आ जाती है आई लैशेज लगाने की सबको, तो वो फिर देख रहे होते हैं यार ये इतना आसान था, हमने तो आपकी वीडियोस भी देखी थी लेकिन हमसे नहीं हुआ। तो मैंने कहा वो क्लासेस का और वीडियोस का थोड़ा यही डिफरेंस होता था ना, जितना डिटेल से आपको क्लासेस में समझने को मिलता है, वीडियो तो जाहिर है फिर एक दो मिनट की बनाई हुई होती है। तो खैर मैं बता रही थी, जब आपका ग्लू ड्राई हो जाए आप इसको ऐसे आउटर कॉर्नर से पकड़ो, आई लैश को आउटर कॉर्नर से पकड़ना है, लेकिन लगाना हमने पहले इनर कॉर्नर है, ठीक है। आउटर कॉर्नर पकड़ लिया, आई लैश को ऐसे टेढ़ा किया, टेढ़ा करके यहां रख दिया। इसका जो ग्लू यहां से स्टिकी होता है ना, वो आपके यहाँ जो छोटे वाले हेयर होता है उसके साथ चिपक जाता है, जब वो चिपक जाएगा पीछे वाली को ऐसे लिटा दो, सिंपली लग जाती है आई लैशेज विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी स्ट्रगल। और थैंक यू मैम मुना, हाय क्यूट गर्ल कैसे हो आप। मेकअप में ना किसी भी मेकअप में, आई शेडो में, आई लाइनर में, आई लैशेज में, किसी भी चीज में मुश्किल सिर्फ तब तक होती है जब तक आपको उसका राइट वे नहीं पता होता करने का, जब तक आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते। जब आपको उसका राइट वे पता चल जाता है और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, डर सारी मुश्किलें खत्म, छुमंतर हो जाती है। आपका लाइव नहीं शो होता मुझे, आपको क्यों नहीं शो होता मैं मुना मेरा लाइव, आप भी लाइव आते हो ना मेरे ख्याल से, मैंने एक दो दफा देखा आपका लाइव, लाइव आते हो ना आप भी। फिर मैंने रिव्यूज बाय आराम से क्लासेस ली है, नाउ आई एम परफेक्ट। और प्रीति थैंक यू सो मच यार, मेरे से काफी सारे लोगों ने क्लासेस ली हुई है। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे से जो क्लासेस लेता है वो परफेक्ट होकर चला जाता है, नहीं होकर जा सकता, थोड़ी सी क्लासेस होते हैं उसे परफेक्शन थोड़ी आती है, बस ये है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीजें यूज कैसे करनी है, लगानी कैसे है, मिक्स कैसे करनी है, ब्रशेस कैसे यूज करने हैं, वो चीजें आपको समझ में आ गई, फिर आपको प्रैक्टिस जितनी आप करते रहोगे उतना इनहेंस होता रहेगा। क्योंकि मैंने तो जाहिर है चार्ज करना होता है, मेरे से जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, मुझे अगर वो पे करता रहेगा मैं तो करवाती रहूंगी प्रैक्टिस, लेकिन फिर हर कोई इतना सारा आपको पे नहीं कर सकता ना, तो फिर बेटर होता है कि जो क्लासेस है उसमें समझ लो अच्छे से, और जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन उसको प्रैक्टिस करो, तभी क्लासेस लेने का फायदा होता है, प्रैक्टिस साथ करते रहो। तो आज थोड़ा डार्क किया आपने मेकअप, नेक से डार्क है, इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, शायद लाइट वाइट की वजह से लग रहा होगा। आ गया मेरा बॉक्स, चलो ओपन करती हूँ। हाँ यानी ओपन करके देखो क्या आया, लेंसेज लगाना मुश्किल लगता है, कुछ कुछ मैसेज होते हैं मुझे ऐसे करके पढ़ने पड़ते हैं, सही नजर नहीं आते। हेलो डार्लिंग, हेलो अबू खान, क्यूट गर्ल क्या हेल्प करूँ लेंसेज की, यार मैं अब लेंसेज कैसे कैसे हेल्प करूँ, ऐसे पकड़ने और ऐसे लगाने उसमें क्या हेल्प करूँ। आज नाक भी सही नहीं बनाया, ये नाक ऐसा ही है, इसको मैं क्या बनाऊंगी, बना हुआ ही आया था पीछे से ही ऐसा आया, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इसका कोई सलूशन नहीं है, जो हम इसके साथ कर सकते थे वो हमने आज भी किया हुआ, इसके अलावा कोई हल नहीं है मेरी जान। अब आपको ये नाक ऐसे देखना पड़ेगा, हाँ ना, तो और क्या। सही कह रहे हो यानी, मैं भी यही सोच रही थी। रेडीमेड सही बात है, रेडीमेड ही मिला हुआ हमें। एक दफा पता नहीं मैंने किसको देखा, तो कोई किसी की वीडियो में लिख रहा था कि आपका ना एक आईब्रो ऊंचा है एक नीचा है ना, बंदा पूछे वो क्या करे। कैसे सही करे वो अपना एक आईब्रो, एक ऊंचा है एक नीचा है, नेचुरली भी किसी के फीचर्स ऐसे होते हैं ना, है ना, क्या करे। तुम लोगों के ऐसे लोगों की ना बातों की वजह से कई लोगों का ना ब्रेन और हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि वो ऐसे लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सके, वो फिर इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, और उसके बाद उनको होता है कि चलो यार अपने में कुछ चेंज करवा लें, कि लोग हमें ऐसे कह रहे हैं हम थोड़ा चेंज करवाएं तो शायद हमारी थोड़ी तारीफ करें या हमसे थोड़े खुश हो जाएं या हमें थोड़ा पसंद करें। इसी चक्कर में तो ये काफी सारे सेलिब्रिटीज है ना जो अपना बुरा हाल कर लेते हैं लोगों के लिए, अपनी जात से तो वो शायद खुशी हो, सिर्फ इसलिए कि लोगों को हम अच्छे लगे, वो हमें अप्रिशिएट करें, इस चक्कर में ये लोग अपने मुंह खराब करवा लेते हैं। अब ये भी इनके चक्कर में मैं क्या अपना नाक खराब करवा लू, नाक कटवा लू, क्या करवाऊ मैं, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
मैं सिर्फ अपनी जात में रहना चाहती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं करता, कोई मेरे बारे में क्या कहता है, किसी को मैं अच्छी लगती हूँ, किसी को मैं बुरी लगती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं कहती हूँ मैं खुश हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं दूसरों को नहीं खुश कर सकती। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मेरी वीडियोज भी देखो, मुझे कितने लोगों ने कहा है कि आप अच्छा सा ड्रेस पहन के, अच्छी सी ज्वेलरी पहनकर फिर वीडियोस बनाया करें। आई नो कि वो चाहते हैं कि वो सब चीजें वो देखें तो उनको अच्छा लगे, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या मेरे पास टाइम नहीं है वो सब करने के लिए, तो मैं खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दूं? इसलिए कि लोग खुश हो जाएंगे, मैं नहीं कर सकती। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं खुद ही से चेंज करके खुद ही से ज्वेलरी भी पहन लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं खुद को स्ट्रेस देकर ज्वेलरी और कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, इस चक्कर में कि चलो यार लोग देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे मेरा काम है मेकअप करना, मेकअप सिखाना, वो उसमें किसी का इंटरेस्ट है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मेरी तरफ से रब रखा है। आई लिविंग अ ड्रीम। पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताएं मेरी जान, मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, मेरा दिमाग जो है ना काम करना छोड़ गया। कलर करेक्टर का बता दे, ये सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ है। अभी आप लोग ये लाइव सेशन वापस जाके यूट्यूब पे देखना था कि आप लोगों को पता चले। लंबा लंबा लाइव सेशन देखना, उसमें से ढूंढना आपको आपके पॉइंट की चीज कहाँ मिलती है। अब मैं वापस कुछ नहीं बता रही, सांस चढ़ गया मैनू। हमें आप ऐसे बता दो, माशाल्लाह डूइंग रियली वेल। हाँ थैंक यू सो मच मेमूना मेरी जान। चलो यार ठीक है, मैं चलती हूँ अब। मेरे बच्चे फिर बैठे हुए कहते होंगे मम्मा कब से अंदर से यही कही जा रही है, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ, चल ही नहीं रही है मम्मा। मोटी मम्मा होने का भी यही नुकसान होता है, चलती नहीं है, चलती बैठी रहती है। चलो यार थैंक यू सो मच आप सबका मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। आप में से जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया वह प्लीज कर लीजिएगा, और आप में से जिन्होंने मुझे टिकटॉक पे नहीं फॉलो किया वह भी कर लीजिएगा। सिर्फ मेरा लाइव सेशन देखकर गुजर नहीं जाइएगा, फॉलो करके मेरी वीडियोस भी देखिएगा, उनको लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगती है तो फोर्सफुली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इमोजीज डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए आसानियां पैदा कर रही हूँ कि इमोजीज डाल दीजिएगा। उसके बाद मुझे यूट्यूब पे लाजमी चेक कीजिएगा, वहां मैं सारे लाइव सेशन डाल देती हूँ। ठीक है, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।